the events characters and entities depicted in this film are fictional any resemblance or similarity to any actual events entities or persons whether living or dead is entirely coincidental ramendu hospital ke samne khade ho ke phufu kar rahe pe pe bimar hai andar kya hua bhabipo wahi aurton wali bimari aurto wali bimari kharcha itna cigarette kitne ki hai 10 rupaye ki 10 rupaye ki aur jeb mein kitni padi एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बक रहा है? ये देख मौत है इस पे मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकती और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच अभास। ये पीने में नहीं है, ये देने में सुपर नहीं बनना चाहता था और हीरो तो बिल्कुल नहीं पर जब आपको पता चले आपका जान दुश्मन आपकी गर्लफ्रेंड तो के पीछे पड़ा तो आपको सुपर हीरो बनना ही पड़ता है म्यूजिक हो जाए कोई बात नहीं मैरी क्रिसमस उनको चटा देना दूर डेट पोस्ट

डेड पुल बेड वुल्सन का दूसरा रूप है जो एक डिसफिग कैनेडाई भाड़े का सैनिक है जिसके पास सुपर ह्यूमन रीजनरेटिव हीलिंग एबिलिटीज है वो लगातार मजाक करने और ह्यूमर इफेक्ट के लिए फोर्थ वॉल तोड़ने की अपनी टेंडेंसी के लिए जाना जाता है इस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी ने उन्हें कई अन्य मीडिया आउटलेट्स में फीचर किया है 2004 की सीरीज केबल एंड में वो अपने खुद के जख्मी रूप को रियान रेनॉल्स को शार पे के साथ पार किया हुआ है रेनॉल्स ने खुद इस कॉमिक को पढ़ते समय कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने में इंटरेस्ट डेवलप किया है जिसे अल्टीमेटली एक्स मैन फिल्म सीरीज में फील किया गया जिसमें एक्स मैन ओरिजिन वोलवरीन डेट और इसका सीक्वल डेटपुल टू है

उन्होंने कहा यह फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है इसके लिए प्रायर रिसर्च के साथ तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है एवेंजर्स सुपर हीरो की एक टीम है जो दुनिया को अलग अलग खतरों से बचाती है ओरिजिनल टीम में आयरन मैन थॉर हल्क मैन और वास्प शामिल थे पिछले कुछ सालों में कैप्टन अमेरिका ब्लैक विटो हॉकाई और स्कॉलेट विच के साथ साथ कई अन्य हीरो टीम भी शामिल हुए हैं

कॉमिक्स में डेडपुल ने कुछ मौकों पर एवेंजर्स के साथ मिलकर काम भी किया है डेडपुल एवेंजर्स सहित पूरे मार्वल यूनिवर्स से लड़ता है। एवेंजर्स एक्स मैन एक्सेस में डेडपुल रेड स्कल को खत्म करने के लिए एवेंजर्स के साथ मिलकर काम करता है डेडपुल किल्स डेडपुल में वो खुद के एक बुरे वर्जन से भी लड़ता है जिसने एवेंजर्स पर कब्जा कर लिया है फिल्मों में डेडपुल ने एवेंजर्स के साथ कुछ बातचीत भी की है डेडपुल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो समय में पीछे चला जाता है और एक्समैन ओरिजिन वुलवरीन में दिखाई देने वाले अपने वर्जन को मार गिराता है इस सीन में वो एवेंजर्स के एक्समैन समक्षकों के जिसमें बीस्ट और क्विक सिल्वर शामिल हैं से भी लड़ता है हालांकि सिर्फ इसलिए कि डेडपुल एवेंजर्स के साथ बातचीत की है वो टीम का मेंबर नहीं बन जाता एवेंजर्स के पास टीम में शामिल होने के लिए कुछ खास क्राइटेरिया हैं जिसमें बैकग्राउंड चेक ट्रेनिंग और इनविटेशन शामिल होते हैं डेडपुल इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पर खरा नहीं उतरा है कंक्लूजन ये है कि डेडपुल एवेंजर्स का ऑफिशियल मेंबर नहीं है हालांकि पिछले कुछ सालों में टीम के साथ उसकी कुछ बातचीत हुई है लेकिन उसे कभी भी टीम में शामिल होने के लिए इन्वाइट नहीं किया गया है हालांकि इसने ऑडियंस को यह कल्पना करने से नहीं रोका है कि डेडपुल को के रूप में देखना कैसा होगा कौन जानता है शायद एक दिन डेडपुल टीम का आधिकारिक सदस्य बन जाए तब तक ऑडियंस कॉमिक्स और फिल्मों में उसकी हरकतों का आनंद ले सकते हैं मार्वल स्टूडियो ने शुक्रवार को मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो फिल्म टेडपुल और वीन का अंतिम ट्रेलर जारी किया ट्रेलर में लेडी डेडपूल का पहला पूरा लुक भी दिखाया गया है पिछले टीजर में लेडी डेडपूल की एक छोटी सी झलक दिखाने के बाद नवीनतम ट्रेलर में आखिरकार उसका पूरा लुक सामने आ गया है अंतिम डेडपूल और बुलवेरीन में सबसे इंपॉर्टेंट खुलासा डेफिनेटली केन गाना है जिन्होंने 2017 की लोगान में ड्रैकमैन के साथ टीनेज म्यूटेंट एक्स23 की भूमिका निभाई थी यह ड्रैकमैन का अपने प्रसिद्ध एक्समैन किरदार के रूप में अंतिम प्रदर्शन था लेकिन उन्होंने आगामी रेडपुल पिक्चर में वुलवरीन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए सहमति दे दी है जैकमैन ने कहा कि वो लुगान में मरने वाले वुलवरीन से अलग रूप में वुलवरीन का किरदार निभा रहे हैं इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि कीन आगामी फिल्म में दिखाई देंगे या नहीं हालांकि अपने प्रेस टूर के दौरान डेफ एन की ने शेयर किया कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगी बेशक ये दुखद है मुझे ड्राकमान और रचनात्मक रूप से रियान और शॉन बहुत ही पसंद हैं उन्होंने कहा मैं देखने के लिए एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं कि उन्होंने आखिर बनाया क्या है मुझे लगता है कि शॉन इस समय सबसे अच्छे निर्देशकों में से एक हैं जाहिर है रियान एक लीजेंड है उसका हिस्सा बनना बहुत ही अद्भुत होता लेकिन मैं इसे सिर्फ एक प्रशंसक के रूप में देखनी चाहूंगी

पॉल वर्नेक और जेब बिल्स के साथ लिखी है। रेनॉल्ड्स और जॉकमैन रिस्पेक्टिवली डेडपुल और वुल्वरिन की भूमिका निभाते हैं। उनके साथ इम्बा कोरिन और मैथ्यू मैकफेडन भी हैं। नवंबर 2016 में ट्वेंटीथ सेंचुरी फोकस में डेडपुल की तीसरी फिल्म का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो को एक्वाइट किए जाने के बाद इसे रोक दिया गया कैरेक्टर का कंट्रोल मार्वल स्टूडियो को सौंप दिया गया जिसने रेनोल्ड के साथ एक नई फिल्म विकसित करना स्टार्ट कर दिया ये डेटपल को एम के साथ इंटीग्रेट करता है और पिछले फिल्मों की आ रेटिंग को बरकरार भी रखता है जिससे ये ऐसी रेटिंग वाली पहली एम फिल्म बन जाती है नवम्बर टू में वेंटी मोलेंकस और लीजी मोलेंकस लोगेलिट लेखक के रूप में शामिल हुए रीज और वॉनिक पिछड़ी फिल्मों से मार्च 2022 तक पूर्ण लेखन के लिए वापस आ गए जब नेवी का निर्देशन के रूप में काम पर रखा गया रेनोल्ड और वेल्स के साथ उन्हें फिल्म की कहानी को समझने में तब तक कठिनाई हुई जब तक की ड्राफमेन ने अगस्त 2022 में फोकस की डेट पुल एंड मार्बल स्टूडियो मार्क्स नंबर फोर्थ और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रोड्यूस्ड और वॉट डिजनी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू की थर्टी फोर्थ फिल्म और डेट पुल और डेट पुल टू की सीक्वल है फिल्म का निर्देशन ट्रॉन लेवी ने किया है जिसकी पटकथा उन्होंने यानी रियान रेनॉल्ड्स, रेट रीज पॉल वर्निक और जेब बर्स के साथ लिखी गई है रेनॉल्ड और ड्राकमैन रिस्पेक्टिवली और Wolverine की भूमिका निभाते आए हैं उनके साथ एमा कोरिन और मैथ्यू भी शामिल हैं। नवंबर 2016 में 20th में सेंचुरी फॉक्स की फिल्म पर काम स्टार्ट हुआ लेकिन मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो का किए जाने के बाद इसे रोक दिया गया कैरेक्टर का कंट्रोल मार्वल स्टूडियो को सौंप दिया गया जिसने रेनोल्ड के साथ एक नई फिल्म विकसित करना स्टार्ट किया ये डेडपूल को एमसीयू के साथ इंटीग्रेट करता है पर पिछली फिल्मों की आर रेटिंग को बरकरार भी रखता है जिससे ये ऐसी रेटिंग वाली पहली एमसीयू फिल्म बन जाती है नवंबर 2020 में वेंडी और लेजी लेखक के रूप में शामिल हुए रेज और वॉर्निंग पिछली फिल्मों से मार्च 2022 तक पूर्ण लेखन के लिए वापस आ गए जब लेवी को निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया रेनोल्ड और वेल्स के साथ उन्हें फिल्म की कहानी को समझने में तब तक कठिनाई हुई जब तक कि ड्राफ्टमैन ने थाउजेंड 2022 टू में फॉक्स की एक्समैन से के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने का फैसला नहीं किया मई 2023 में इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ नॉर्फॉर्क और बोविंगटन फिल्म स्टूडियो में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ 2023 सैग ट्वेंटी हड़ताल के कारण जुलाई में रेज्यूम कर दिया गया था लेकिन नवंबर में फिर से स्टार्ट हुआ और जनवरी 2024 में खत्म हुआ एक महीने बाद फिल्म का टाइटल सामने आया डेटफुल एंड वेन का विश्व प्रीमियर 22 जुलाई 2024 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ और इसे एम के फेस फाइव के हिस्से के रूप में 26 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना है सुपर हीरो का गढ़ है मार्वल 90s में आकर इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी पैसे की तंगी इंसान से कुछ भी करवा सकती है यहाँ तो मार्वल का दिवाला निकलने वाला था ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया वो अपने कुछ प्रमुख किरदार ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स नाम के स्टूडियो को बेचेंगे इसमें फैंटास्टिक फोर और एक्स मैन यूनिवर्स वाले किरदार शामिल थे यानी डेट पुल जैसे किरदार का पता बदलने वाला था फॉक्स ने इन किरदारों पर फिल्में बनाने के राइट्स ले लिए मार्वल के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो इन कैरेक्टर्स पर मूवी बना सके ऊपर से खुद को बचाने का संघर्ष था डेकिन जैसे किरदारों ने तब मार्वल को बचा लिया इन किरदारों का फॉक्स के पास जाना ऐसा था जैसे मार्वल की पसलियों में मुक्का मारा हो अभी उनका जबड़ा टूटने ही वाला था जब कुछ साल बाद उन्हें अपने चहे कैरेक्टर तो स्पाइडरमैन की राइट स्पाय सोने को बेचने पड़े खैर वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते है कहानी दूसरे दशक में पहुंची मार्बल फिर भी तंगहाली में थे अब डिज्नी तारन हार बनकर प्रकट आया साल 2009 में डिज्नी ने 4 बिलियन डॉलर में मार्बल के नाम के ऊपर अपना लेबल चिपका दिया रॉबर्ट डाउनी वाली पहली आयरन मैन के अलावा आगे आई तमाम फिल्में डिज्नी के अंडर बनी सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी ने साल 2019 तक बॉक्स ऑफिस आरोप मार्बल यूनिवर्स के जरिए 18 बिलियन डॉलर बना लिए दस सालों में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स वाली फिल्मों ने डिज्ली की चांदी करवा दी थी इन किरदारों की कॉमिक्स की दुनिया के बाहर कल्ट किस्म की फैन फॉलोइंग बन गई। साल 2019 हजार नाइनटीन में आई एवेंजरटेन तक ऐसा सीन बन गया था कि लोग फिल्म देखते हुए झंड में हसे रोए ताली पीटे और मन में ही खाली पल लेकर लौटे हमारे हीरोज ने हमें अलविदा कह दिया हमारे बचपन ने हमें अलविदा कह दिया डिज्नी की फिल्मों ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे किरदारों को खूब पॉपुलर किया लेकिन वो सिर्फ इन पर ही रुकने वाले नहीं थे मार्वल यूनिवर्स का नया फेज शुरू हो चुका बस किसी ने भी फैंस और डिज्नी को उसके लिए तैयार नहीं किया था एंड गेम के बाद आई मार्वल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आरोप जम चम टिक नहीं पाई उनकी पिछले रिलीज ही मार्बल एम के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई मार्वल और डिज्नी के हाथ बंधे हुए हैं हर दूसरा प्रोजेक्ट गिर रहा है लॉयल फैंस नहीं रहे ऐसे में पार्वल और को बचाने दो लोग फिर से घर लौट रहे आखिर ये दोनों नाइनटीज में भी ऐसा कर चुके हैं साल 2019 में डिज्नी ने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया वो भी सेवेंटी बिलियन डॉलर की भारी भरकम लागत में गणित क्यूँ लगा रहे हो स्टोरी पर फोकस करो ना खैर 12 फरवरी 2024 की सुपर डेटपोल एंड गुल का टीजर आया था वैसे ये डेटपोल सीरीज की तीसरी मूवी है पिछली दो फिल्मों ने बढ़िया पैसा फोड़ा एक के लिए तो रणबीर सिंह ने भी डेटपोल को अपनी आवाज दी थी डेटपोल को पसंद किए जाने का एक प्रमुख कारण ये है की वो टिपिकल हीरो टाइप नहीं करता, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता भारी महफिल में उसे सुपर पाप तो खतरी मत करना उसे सुपर हीरो आप ऐसे लोगों की आत्मा दुखा रहे हैं जो अपने पापा टाटा का बदला लेने के लिए सुपर हीरो बने अगर किसी कमरे में तीन लोग हैं उनमें से एक डेड है दूसरा इंसान देख नहीं सकता तीसरा ठीक से चल नहीं सकता तो गारंटी है कि डेट सबसे पहले उन दोनों का मजाक उड़ाएगा और फिर खुद के कैंसर और लुक्स पर तंज कसेगा लाल और काले रंग का स्पेंडे सूट पहनने से पहले डेट पुल वेट वन नाम का आदमी था वेट को कैंसर हो जाता है उस हालात में एज्रेक्स नाम का एक आदमी वादा करता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता हूँ वेट के इलाज के नाम पर उस पर एक्सपेरिमेंट चलाए जाते हैं उसे म्यूटेंट बना दिया जाता है यानी ऐसा शख्स जिसके पास शक्तियाँ हों वेट का कैंसर तो ठीक हो जाता है लेकिन उसका शरीर हमेशा के लिए खराब हो जाता है पूरी बॉडी पर जलने के निशान पड़ जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये शक्ति मिलती है कि उसके घाव जल्दी भर जाएंगे यही वजह है कि वो आसानी से मर नहीं सकता आगे वेट डेटपुल बनता है और एड से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है तो ये मोटा मोटी डेडपुल वन की कहानी थी डेडपुल ऐसा आदमी है जो कभी सीरियस नहीं रह सकता दूसरी ओर है वुलवरीन जो गिन कर अपने मुंह से शब्द निकालता है वुलवरीन भी उसी की तरह एक म्यूरेट है जिसके पंजों से एडमांडियम नाम की धातु से बने पेने लंबे नाखून निकलते हैं कॉमिक्स की दुनिया में इन दोनों में लव हेट वाला रिलेशनशिप है डेडपुल उसे सताएगा फिर वो अपने फौलादी पंडे डेटपुल के सिर में घुसा देगा ये दोनों खूब लड़ते हैं अब दोनों एक फिल्म में आ रहे हैं से लेकर स्टूडियो तक इस कोलाबोरेशन से बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि क्योंकि सभी को भरोसा है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है डेटपुल एंड मूवी से ज्यादा एक इवेंट क्यों है अब ऐसे ही कुछ कारण बताते हैं कैंसर से लड़कर हीरो लौटा है साल 2017 में लोगन रिलीज हुई ये फैन फेवरेट कैरेक्टर वोल्वरीन की आखिरी मूवी होने वाली थी इमोशनल फैंस ने बड़े पर्दे पर अपने हीरो को मरते हुए देखा ऊपर से जॉनी कैश के गाने हर्ट ने उस सेंटिमेंट को कई गुना एलिवेट भी कर दिया था खैर ये वोल्वरीन के रोल में ट्रैकमैन की नाइन फिल्म थी 18 साल ये कैरेक्टर उनके साथ रहा वो किरदार जिसके लिए उन्होंने सात बार ऑडिशन दिया वो किरदार जिसकी ऊंचाई से कम थी इसलिए कुछ सीट में उन्हें झुक कर या नंगे पाओ में शूट करना पड़ता वो किरदार जिसकी शूटिंग के वक्त उन्होंने गलती से दूसरे किरदार के हाथ में मेटल के नाखून घुसा दिए थे उस किरदार के मेकअप को चीर कर लाल खून की धारा बह रही थी लेकिन विचलित होने की जगह वो खुश थे चोट को गर्व की निशानी की तरह दिखा रहे थे कि देखो मुझे ने मारा है वुल्वरीन वो किरदार है जिसकी वजह से जापमान ने शाकाहारी लोगों से बहुत बार माफी मांगी उसके लिए बॉडी बनाने के चक्कर में उन्होंने रज नॉनवेज खाया जापमान को वोलवरीन से प्यार था कभी उसे बेतहाशा नफरत भी होती रही लेकिन अंत में साल 2017 में वुल्वरीन के पंजे हमेशा के लिए उसके हाथों में धस गए जैकमैन ने अनाउंस किया कि अब वो कभी भी वो नहीं बनने वाले फैंस वॉर लाइक थोड़ा डर तो हुआ पर चलता है जैसा मुन्ना भाई के साथ हुआ वैसे ही मोहल्ले में फिर से जैकमैन आए खबर आई कि डेट पुल फ्री बन रही है मेकर उसके लिए जैकमैन को ले आए डेट और वुलवरीन की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था ये दोनों कैरेक्टर एक्समैन वुलवरीन में पहली बार साथ दिखी थी लेकिन उस मूवी पर चर्चा कम और मीन ज्यादा बनती के के आने वाले हैं। सेट से उनकी कुछ फोटोज भी लीक हुई थी जैकमन का वापस लौटना फैंस के लिए बड़ी खबर है लेकिन यहाँ एक और एंगल है साल दो में पहली बार जैकमन को पता चला था की उन्हें स्किन कैंसर है वो बेसल सेल कार्सिनोमा नाम के स्किन कैंसर से डायगनाइज हुई थी इलाज चला लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके उन्हें छह बार स्किन कैंसर हुआ। हुआवर ने इसके प्रति जागरूकता फैलाना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करके बताए कि क्यों सभी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए धूप से क्या नुकसान हो सकता है अभी के लिए उनका कैंसर सही हो चुका है फैंस का हीरो कैंसर से लड़कर उनके फेवरेट किरदार में लौट रहा है ये भी एक है कि वो क्यों को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं। साल दो हजार ग्यारह से दो हजार बारह के बीच चलाई डेट बोल मार्वल यूनिवर्स चार कॉमिक्स में बटी सीरीज में डेट बोल ढोंड ढोंड कर मार्वल के किरदारों को मारना स्टार्ट कर देता है उसकी तलवार और पिस्तौल से निकली गोलियां हीरो से विलन में फर्क नहीं करती उसे लगने लगता है कि सभी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसका ज्ञात सिर्फ और सिर्फ उसी को है इसलिए वो अपील और बाकी सभी की मुक्ति के लिए सबको मारना स्टार्ट कर देता है जब डेट पुल थ्री थी तब कहा जा रहा था कि उसकी कहानी कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है हालांकि ट्रेनर आने के बाद पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो गई डेट पुल मार्बल यूनिवर्स को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे बचाएगा मार्वल के शो लॉकी ने टी नाम की एक संस्था का इंट्रोड्यूस किया था उनका पूरा नाम टाइम वेरियंट अथॉरिटी है एम में कई सारी टाइम हैं ये संस्था इस बात का ध्यान रखती है कि इन टाइम के साथ छेड़छाड़ ना हो टीवी वी ए वाले डेडपुल भाई साहब को उठा लेते हैं आरोप है कि तुमने टाइम के साथ छेड़खानी की है अब उसे फिक्स करने का समय है बता दें कि डेडपुल टू में वेड अपने पार्टनर वेनिसा को बचाने के लिए भूत भविष्य के साथ बदलाव करता है अब डेट एंड बुल्वरीन भी उसे सब कुछ ठीक करना है ताकि फिर से बैलेंस बन सके इसी दौरान वो बुलवरीन से भी मिलेगा बाकी बताया जा रहा है कि इस पार्ट में बहुत सारे पुराने और नए किरदारों का कैमियो होने वाला है इस मूवी से तय हो जाएगा कि मार्बल यूनिवर्स का भविष्य क्या होने वाला है डेट की पिछली दो फिल्मों फॉक्स के बैनर तले बनी थी ये वाली मार्वल के लेबल से बनी है मार्वल पी जी थर्टीन फिल्मे बनाने के लिए जाना जाता है यानी वो फिल्में जो सेक्स खून खराबे और असभ्य भाषा के नाम से हाय तोबा करती है पीजी थर्टीन फिल्म सभी देख सकते हैं बस कुछ चीजों से तेरह साल से कम उम्र वाले बच्चे असहज हो सकते हैं फिर आता है डेट जिसकी सुबह अलार्म ट्यून की जगह गोली की आवाज से खुलती है गुड मॉर्निंग की जगह मुंह से गोलियां निकलती है डेट की पिछली दोनों फिल्में आर रेटेड थी यानी सिर्फ सत्रह साल से बड़े लोग फिल्म देख सकते हैं उससे कम उम्र वाले बड़ों की मौजूदगी में फिल्मे देखें। डेटपुल के मार्वल यूनिवर्स में फिर से आने पर मजाक हुआ कि क्या वो बच्चों वाले जोक मारेगा इस बात को नकारते हुए डिस्टी और मार्वल वाले क्लियर कर चुके हैं कि डेट पुल थ्री रेटेड आर ही होने वाली है फिल्म को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है डेट पुल वन को फिफ्टी मिलियन डॉलर की लागत ऐसी बनाया गया था दूसरे पार्ट का बजट बढ़ाकर 110 मिलियन डॉलर कर दिया गया हॉलीवुड संडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे पार्ट में स्टूडियो ने 250 मिलियन डॉलर झोंक दिए हैं भारतीय रुपए में ये करीब दो करोड़ होगा इतना पैसा सिर्फ मूवी को बनाने में लगा है प्रमोशन का खर्चा अलग से होगा स्टूडियो को उम्मीद है कि डेट पुल थ्री वन बिलियन डॉलर से ऊपर का बिजनेस कर सकती है इसलिए उन्होंने के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है रायन की एक लिटल कंपनी है एविएशन गिन के नाम से जैकमैन एक कॉफी कंपनी के मालिक है उसका नाम लाफिंग मैन है रायन ने छह फरवरी दो हजार उन्नीस को अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला उसका टाइटल था ट्रस्ट यानी युद्ध विराम सती वीडियो में रायन और जरामैन नजर आते हैं रायन कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की कंपनी के लिए एड बनाए हैं लाफिंग मैन का एक सुंदर सा एड था जहां रायन रेनॉल्ड्स ने वॉइस ओवर दिया फिर जैकमैन वाला एड स्टार्ट कर दिया गया वो कहती है की एविएशन गेम बढ़िया है तभी उसे ट्राई करूंगा इतना कहकर लिकर की बोतल का ढक्कन निकालकर बोतल को टेबल पर उलट देते हैं एड के खत्म होने तक बॉटल से शराब जमीन पर बह रही होती है इस एक वीडियो से आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि दोनों ने अपने रिश्ते की कैसी इमेज बनाई हुई है रियल लाइफ में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जैकमिन के दबाव डालने की वजह से ही डेट की पहली फिल्म बन पाई थी लेकिन मीडिया में ये दोनों अपना रिश्ता ऐसा दिखाते हैं जैसे जानी दुश्मन हो टांग खिंचाई बंद नहीं होती डेट और वुलविन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्क्रीन से बाहर भी अपने किरदार निभा रही हैं। अगर इस मूवी की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है एक तरह से मूवी में दोनों को देखना मेटा रेफरेंसिंग की तरह होगा जहां आप मूवी जैसे किसी मीडियम का कर इस्तेमाल करके खुद आरोप कॉमेंट्री करते हैं हॉलीवुड में कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री मैट एमन और टॉक शो हो जिमी जिन्हें में भी है जहाँ दोनों वास्तविक जीवन में अच्छे रिश्ते रखते हैं लेकिन मीडिया में एक दूसरे का जी नाम मुश्किल करके रंग देते हैं रायन और ड्राकमैन की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सुर्खियों में रहती हैं। ये दोनों लोग कुछ भी करें, फांस को एंटरटेनमेंट मिलता ही रहता है इसी बात को डेट पुल में भी बनाया जाएगा ये दोनों क्या बचाने वाले इसका जवाब तो छब्बीस जुलाई को ही मिलेगा जब डेट पुल एंड सिनेमा घरों में उतरेगी रिलीज से पहले दोनों स्टार्स मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे ही एक हालिया इंटरव्यू में जैकमैन ने शाहरुख खान के बारे में बात की उनसे पूछा गया कि अगर आपको बॉलीवुड मूवी करने का मौका मिलता है तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे जैकमैन का कहना था बीते कुछ सालों में, में मेरी कई बार शाहरुख खान से बातचीत हुई है आप नहीं जानते लेकिन शायद शायद एक दिन कुछ हो जाए ये पहला मौका नहीं है जब ड्राकमैन ने शाहरुख खान को लेकर बात की हो साल 2017 में वो अपनी फिल्म लोगन को प्रमोट कर रही थी तब उनसे पूछा गया था कि अगर आपके साथ कोई और एक्टर गुलवरीन का रोल प्ले करे तो उस पर आपकी क्या राय होगी ट्रैकमैन ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई दूसरे एक्टर को गुलवरीन का रोल मिलता है तो उन्होंने कहा कि मेरे बार शाहरुख खान को ये रोल करना चाहिए बाकी बता दें कि साल 2011 में ड्राक मैन इंडिया आए थे उन्हें एफ आई सी सी आई फ्रेम में एक्सलेंस इंटरनेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया था शाहरुख खान और उनके बीच बहुत सारी बातचीत भी हुई उस सेशन को करण जोहर ने मॉडरेट किया था बातचीत के दौरान ड्राक ने शाहरुख की मूवी मायने मिस खान की तारीफ भी की थी मजाक में करण से कहा कि अगर आप इस मूवी का सीक्वल बनाते हैं तो मुझे कास्ट कर लीजिएगा क्योंकि शाहरुख बिजी होंगे मूवी का टाइटल रखेंगे माय नेम इज रफमैन एंड आई एम नॉट अ टूरिस्ट आगे करण ने कहा कि शाहरुख खान की सुपर हीरो मूवी भी रिलीज होने वाली है यहाँ वो रावण की बात कर रहे थे रफमैन ने बताया कि उन्होंने इस मूवी का प्रमोशन कम से कम 29 टाइम्स देखा था रफमैन पहले हॉलीवुड एक्टर नहीं है जिनके साथ शाहरुख की मूवी प्लान की गई हो साल 2011 में शाहरुख और लियो नाट्रो को लेकर एक गैंगस्टर ड्रामा बनने वाली थी नाम था एक्सट्रीम सिटी टैक्सी ड्राइवर के राइडर पॉल थ्रेडर इसे डायरेक्ट करने वाले थे मुश्ताक शेख और पॉल मिलकर इस मूवी को लिख रहे थे मुश्ताक ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया था ये क्रॉस कल्चर थ्रिलर मूवी होने वाली है कहानी में इंडियन और अमेरिकन प्रोटेकोनिस्ट को पूरी तरह से बैलेंस किया गया है मुश्ताक शेख ने आगे जोड़ा कि ये एक कॉम्प्लेक्स मूवी होने वाली है शाहरुख और मार्टिन मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले थे मूवी पर काम अचानक से बंद पड़ गया बाद में पॉल ने फिल्म बंद होने की वजह भी बताई उन्होंने कहा कि शाहरुख पूरा कंट्रोल चाहते थे वो न मिलने पर उन्होंने फिल्म से हाथ खींचना बेहतर समझा मार्वल स्टूडियोज की नई मूवी डेड पुल एंड का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है भारत में भी इस मूवी को लेकर अच्छा खासा माहौल बना हुआ है भारत में रिलीज से पहले ही इसके टिकट्स की धड़ा धड़ दाड़ बिक्री हो रही है जिससे इसकी मोरी कमाई का अंदाजा भी लगाया जा सकता है डे पुल एंड वुल्वरीन की भारत में प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी के रिलीज से पहले ही एक लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं इन टिकट्स की बिक्री से हुई कमाई पर नजर डाले तो मूवी ने अब तक पाँच करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया है डेट पुल एंड वुल्वरिन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मूवी भारत के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तीस करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है अभी मूवी के रिलीज होने में चार दिन बाकी है और ऑडियंस के उत्साह को देखते हुए लगता है कि जैसे जैसे रिलीज की तारीख पास आती जाएगी वैसे वैसे प्री बुकिंग में तेजी आती जाएगी हॉलीवुड फिल्मों के भारतीय बॉक्स पर प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक केवल पांच फिल्म ही पहले दिन तीस करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा छुपाई है इनमें एडवेंचर एंड गेम ने 65 फाइव रुपए की कमाई की थी और ये मूवी पहले स्थान पर काबिज है एएमसी थिएटर्स के सीईओ ने बताया कि पुल और डेथिन के एडवांस टिकट बुकिंग में रिकॉर्ड दर्ज किया है एक दिन में ही इसकी करीब दो लाख टिकट बिक गए। हालांकि एएमसी ने सिर्फ एक दिन की ही बुकिंग का आंकड़ा शेयर किया है मार्बल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केवन फीगे ने हाल ही में मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वुल्वरीन की फ्यूचर की कास्टिंग को लेकर अटकलों को शेयर किया है 2024 में डेड एंड वोलवरीन की अपकमिंग रिलीज के साथ ऑडियंस ड्राकमैन को लोगन के रूप में अपनी आइकॉनिक रोल को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड है मूवी न केवल रियान रेनॉल्ड्स को वेट पर्सन के रूप में वापस लाती है बल्कि जैकमैन को वोलवरीन के नए नए वेरिएंट्स के रूप में फिर से पेश करती है क्योंकि एमसीयू एक्समैन फ्रेंचाइज को फिर से तैयार करने की तैयारी कर रहा है फीगे ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि क्या कोई नया अभिनेता अल्टीमेटली वोल्वरीन की भूमिका निभाएगा डिस्कसिंग मूवी के साथ एक इंटरव्यू में फीगे ने कॉमिक्स और लाइव एक्शन में पात्रों को फिर से कल्पना करने की मार्बल की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर जोर दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या ऑडियंस को फ्यूचर में वोवरीन की नई कास्टिंग की उम्मीद करनी चाहिए तो फीगे ने पुष्टि की कि ये इनएविटेबल है मार्बल इस गर्मी के अंत में अपनी एटी फिफ्थ एनिवर्सरी मना रहा है और डिजनी ने अभी अभी सौ साल पूरे कर लिए हैं ये पात्र अगले सौ वर्षों तक हम सभी के बहुत बाद तक भी मौजूद रहेंगे फीगे ने कहा जैसा की, की एक रिपोर्ट में मेंशन किया गया है उन्होंने पुष्टि की कि को फिर से कास्ट किया जाएगा लेकिन इस बात पर जोर दिया कि किसी भी नए चित्रण में जैकमैन के आइकॉनिक परफॉर्मेंस की नकल करने से बचना चाहिए स्क्रीन रेंट रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये बहुत अलग शैली और अलग तरीके से होगा वुल्वरीन को फिर से कास्ट करना मार्बल के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। 2000 के दशक की शुरुआत से ही लोगन की भूमिका निभाने वाले हीरो सिनेमा में किरदार बने हुए हैं डेथ पुल्वरीन में उनकी वापसी ने काफी उत्साह पैदा किया है खासकर तब जब 2017 में लोगन को शुरू में इस किरदार के रूप में उनकी आखिरी भूमिका माना गया था जैकमान के सक्सेसर को खोजने का काम चैलेंजिंग है और फिगेस बदलाव की कठिनाई को स्वीकार करती हैं फिगे ने हिंट दिया कि एमसीयू अपने अर्थ 616 यूनिवर्स में वुल्वेरीन को पेश करने में देरी कर सकता है एक्समैन रीबूट स्क्रिप्ट के चल रहे विकास में लोगन को छोड़ दिया जा सकता है जिससे अन्य म्यूटेंट को स्पॉटलाइट प्राप्त करने का मौका मिल सकता है यह अप्रोच मार्वल स्टोरीओ को वुलवरीन की एक फ्रेश लेकिन ऑथेंटिक व्याख्या देने में सक्षम अभिनेता की पहचान करने के लिए एम्पल टाइम प्रोवाइड करेगी स्क्रीन रेंट रिपोर्ट के अनुसार फीगे ने सुझाव दिया एमसीयू के लिए अपने और 616 वुलवरीन को पेश करने में देरी करना बुद्धिमानी हो सकती है आगे का समय फेगे और मार्वल स्टूडियोज में उनकी क्रिएटिव टीम को बुलवरीन के लिए एक न्यू विजन तैयार करने का मौका देगा इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि कैरेक्टर का अगला चित्रण एम सी यू इवॉल्विंग लैंडस्केप के साथ अलाइन हो एक्समेन पात्रों के एक समृद्ध पुल के साथ मार्वल लोगन के एक नए सीरीज को डेवलप करने में अपना समय ले सकता है फीगे ने इस रणनीति में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा लोगन का नया संस्करण निश्चित रूप से इंतजार कर सकता है फिलहाल एम के प्रशंसक डेड पोलान वीन में ट्रॉकमैन को लोगन के रूप में वापस देखने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं ये मोस्ट अवेटेड मूवी ऑडियंस को एक लेकिन फ्रेश एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो जाकमन की विरासत और एम सी यू में वुल्वरीन के फ्यूचर के बीच की खाई को पाटती है जैसे जैसे फ्रेंचाइजी विकसित होती जा रही है फीगे की अंतर्दृष्टि को एक बार फिर से जीवंत करने के लिए मार्वल के अगले कदमों के पीछे की सोची समझी योजना की एक झलक प्रदान करती है मैग्नेटो भले ही वुल्वरीन जितना अजय ना हो लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लाभ है वो सभी धातुओं को नियंत्रित कर और हेर फेर कर सकता है यहाँ तक कि थोड़ी मात्रा में भी कॉमिक्स और फिल्मों दोनों में मैग्नेटो ने वल्वरीन को हराने के लिए बार 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 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है लोबो जो भेड़िया के लिए इबेरियन शब्द से लिया गया है टी कॉमिक्स में दिखाया गया एक कैरेक्टर है रोजर स्लीफर और कीथ गीफेन द्वारा निर्मित ये पहली बार जून 1983 में ओमेगा मैन हैश में, में दिखाई दिया गया ड्रैकमैन ने शॉल लेवी और रेयान रेनॉल्स के बीच दोस्ती का अंदाज़ा इस तरह लगाया था मानो उनके पास मार्वल मूवी की टाइम मशीन हो लेवी को याद है कि एक्समैन अभिनेता ने टू थाउजेंड की अपनी साइंस फिक्शन मूवी रियल स्टील के सेट पर रेनॉल्स का जिक्र किया था जिसमें ड्रैकमैन ने मुख्य भूमिका निभाई थी मॉन्ट्रियल में जन्मे निर्देशक ने न्यूयॉर्क से वीडियो कॉल पर कहा उन्होंने मुझसे सचमुच कहा था कि अगर मैंने कभी रेयान रेनॉल्स के साथ काम किया तो शायद मैं कभी नहीं रुकूंगा ड्राकमैन को यह महसूस हुआ जोड़ीदार है और फ्री गाय और 2022 की साइंस फिक्शन एडवेंचर प्रोजेक्ट में वेंकूवर में जन्मे अभिनेता का निर्देशन किया उनका कहना है कि रेनॉल्ड ने लेवी को डेट एंड एंड के निर्देशन और सह लेखन के लिए चुना था उनकी हिट डेडपुर फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी है और मार्वल स्टूडियोज की पहली मूवी है जब इसकी मूल कंपनी डिजनी ने ट्वेंटी अधिग्रहण किया था यह फ्राइडे को रिलीज होगी मुझे ये कहने में नफरत है लेकिन मुझे लगता है कि हमारा कैनेडाईपन हिस्सा है इस मूवी का जिन्होंने टू थाउजेंड सिक्स की नाइट एट द म्यूजियम सहित पारिवारिक कॉमेडी का निर्देशन किया है और नेटफ्लिक्स के लिए साइंस फिक्शन स्ट्रेंजर थिंग्स का निर्माण किया है हम दोनों को लगता है कि हमें जो काम करने को मिला है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम दोनों में विनम्रता और सभ्यता है और एक दूसरे के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है हमें ऑरियंस की खुशी के लिए बनाई गई फिल्में बनाना बहुत पसंद है हमें मेहनत करना भी बहुत पसंद है ज़ाहिर है उन्हें भी कड़ी मेहनत करना पसंद है लेवी का कहना है कि वो रेनोल्ड और जैकमैन असल जिंदगी में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और डेथपुल एनवलवरीन के लिए प्रेस टूर मूल रूप से डिज्नी द्वारा भुगतान किए गए लड़कों की यात्रा की तरह है टोरेंट टोरेंटो में मूवी के कैनेडाई प्रीमियर के अवसर पर तीनों ने शहर के एक मल्टीप्लेक्स पर कब्जा कर लिया जहां उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिए और साथ ही साथ ऑडियंस से मुलाकात भी की जिनमें से कई स्निक प्रीव्यू के वेशभूषा में सजे हुए थे मूवी में रेनॉल्ड को फिर से मूव सैनिक के रूप में देखा गया है इस बार वो ट्रैकमैन के साथ मिलकर प्रतिष्ठित एक्समैन सुपर हीरो वुल्वरीन के रूप में अपनी लंबे समय से वापसी कर रहे हैं जिसे दो की लोगन में मार दिया गया था

और दिन बचाने के लिए साथ ही कैनक वुल्वरीन के एक विशेष रूप से क्रांकी इटीरेशन को भर्ती करता है जब वे झगड़ नहीं रहे होते और एक दूसरे को टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहे होते तब डेडपुल और वुल्वरीन एमा कॉइन के नोवा के विरुद्ध मिलकर काम कर रहे होते हैं जो शून्यता की शासक है जो मल्टीवर्स के बीच एक यातना स्थल है जिसमें नायक स्वयं को फंसा हुआ पाता है हालांकि रेनॉल्ड्स कई सालों से रेडपुलविन की जोड़ी बनाने की बात कर रहे थे लेकिन ड्रैकमैन शुरू में हिचकिचा रहे थे क्योंकि वे अपने एडामैंटेनियम पंजे वाले किरदार की विरासत को बनाए रखना चाहते थे मेंटेन रखना चाहते थे हालांकि लेवी ने बताया कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करने के मौके ने आखिरकार अभिनेता को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया वही कहते हैं हम तीनों के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्ड है हम लोग एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारे बीच बहुत प्यार है और हम स्क्रीन के बाहर भी एक साथ बहुत समय बिताते हैं मुझे पता है कि जाकमैन को वापस आने का विचार आया था और मुझे लगता है कि वो जानता था वो जानता था कि वो दोस्तों के साथ वापसी कर रहा है जिसका मतलब न केवल एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा बल्कि उसने अपने दोस्तों पर लोगन की विरासत की रक्षा करने और इस वापसी में उसकी रक्षा करने का भरोसा किया ऑडियंस को एंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले साल एंट मैन और दी मार्बल जैसी दुलरभ बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही लेविका फिल्म के इर्द गिर्द चल रहे विमर्श का जवाब डेटपुल की कई चौथी दीवार को तोड़ने वाली बातों के जरिए सीधे तौर पर इसका जवाब देना है शुरुआत में वुलविन से मजाक करता है मसर एम सी यू पे आपका स्वागत है आप थोड़े कम समय में शामिल हो रहे हैं लेवी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मार्वल को बचराने की जरूरत है जाहिर है हाल ही में उनके साथ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और वे चूंक गए हैं और क्योंकि ये डेडपुल है इसलिए हमें इसका नाम लेना चाहिए हमें इसका मजाक उड़ाने का मौका मिलता है और मार्वल के लिए ये श्रेय की बात है कि उन्होंने हमें उनका मजाक उड़ाने दिया क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेडपुल की भावना है लेकिन मार्वल को लेकर मैं जो दबाव महसूस करता हूँ वो ऑडियंस के प्रति उतना तीव्र नहीं है क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ मुझे ये किरदार बहुत पसंद है मुझे उनकी विरासत के प्रति श्रद्धा है लेवी का कहना है कि वो मूवी के मुख्य पात्रों से विशेष रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि दोनों की मूल कहानियाँ कैनेडाई मूल की है डेडपुल रेजीना से है जबकि वुलवरीन का जन्म उत्तरी अल्बर्टा में हुआ था वे कहते हैं अपनी आंखें खुली रखें क्योंकि हमारी मातृभूमि के प्रति सम्मान हर है। आप कि है। है, ज्यादातर हिस्से में एक दूसरे से लड़ते नजर आते हैं लेकिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मूवी किस हद तक दोस्ती के बारे में है और हमें इसी दोस्ती को देखना होगा इस मूवी में तो आपको ऑफ स्क्रीन दोस्ती की गर्म जोशी मिलती है जो अल्टीमेटली मूवी के डीएनए में अपना रास्ता खोज लेती है मुझे लगता है कि मूवी की गर्म जोशी इसका सबसे बड़ा पहलू हो सकता है लेकिन ये वो पहलू है जिस पर रियान और रागमान और मुझे सबसे अधिक गर्व है कैनेडियन प्रेस की यह रिपोर्ट पहली बार 24 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी ट्रेलर देखना तो मुफ्त है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जाना मुफ्त नहीं है शायद इसलिए ऐसा लगता है कि रेन रेनॉल्ड्स और जैकमैन डेडपुल एंड वुलवरिन के प्रेस टूर पर ओवर टाइम कर रहे हैं इस फैक्ट के बावजूद कि मार्वल थ्री ने पहले ही एक दिन में सबसे अधिक देखे जाने वाले मूवी ट्रेलर का गिनज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है यानी चौबीस घंटे में थ्री मिलियन बार देखा गया अपनी मूवी का प्रचार करने और इंटरव्यू में कैम्यू स्पॉयलर से बचने के अलावा रेनॉल्ड और ट्रैकमैन चिकन शॉप डेट के लिए दो तिहाई दल बन गए हैं और यहाँ तक कि के पॉप म्यूजिक वीडियो के लिए भी वो तैयार हुए हैं क्या ये भुगतान करेगा मौजूदा अनुमानों से उम्मीद है कि डी एन डब्ल्यू अपने शुरुआती सप्तान्त में रिकॉर्ड तोड़कर 170 मिलियन डॉलर कमा पाएगी अगर मूवी घरेलू स्तर पर 125.5 मिलियन डॉलर से कम कमाती है तो ये डेडपुल 2 को पीछे छोड़ देगी और फ्रेंचाइज़ में सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाला ओपनिंग वीकेंड होगा डी एन डब्ल्यू आर रेटेड फिल्मों के लिए पहली डेडपुल फिल्म के 132 मिलियन डॉलर की घरेलू ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड को पार करके ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकती है डेडपूल टू 125.5 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि हॉरर मूवी ईट 123 मिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है ये वो जगह है जहां लगभग लग 160 से 170 मिलियन डॉलर की मौजूदा अनुमान उतरेंगे इस बिंदु पर मूवी का ओपनिंग वीकेंड न केवल आर रेटेड फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगा बल्कि किसी भी रेटिंग की हाल की उच्च कमाई वाली फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देगा संदर्भ के लिए इनसाइड आउट टू ने फादर्स डे वीकेंड पर घरेलू स्तर पर 155 मिलियन डॉलर कमाए हैं ये इस साल का अब तक का सबसे अच्छा ओपनिंग प्रदर्शन है ड्यून पार्ट वन टू एटी टू पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के साथ दूसरे लेवल पर है एक बार जब हम इस सीमा में आ जाते हैं तो एम सी यू मैच की भी संभावना ब्लैक पैंथर व मिलियन डॉलर के की ओपनिंग वीकेंड प्रदर्शन को 2022 में रिलीज होने वाली सीक्वल के बाद से किसी भी मार्वल मूवी ने पार नहीं किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए डी एंड को ऑल टाइम ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बनाने की बहुत आवश्यकता है एवेंजर्स एंड गेम ने 357 मिलियन के साथ घरेलू रिकॉर्ड बनाया जो स्पाइडरमैन नोवे होम के 260 मिलियन डॉलर के दूसरे स्थान के प्रदर्शन से काफ़ी अंतर रखता है किसी भी तरह से केविन फीगे जीतता है डेडपुल एंड वुलवरीन के लिए जनता अभी से एक्साइटेड है यकीनन मेकर्स पर भी ये प्रेशर है कि वो एमसीयू की खोई हुई चमक और इंडिया में फीका पड़ रहा फैंडम दोबारा से लौट आ सके डेडपुल एंड वोलवरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी ने इंडिया टुडे के साथ अपनी मूवी पर बात की है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड अवेंजर्स एंड गेम की रिलीज़ पर इंडियन थिएटर्स लगभग चौबीसों घंटे खुले हुए थे। रात में ढाई बजे के शोज का हाउसफुल होना बता रहा था कि इन फिल्मों ने भारत में कितनी तगड़ी फैन फॉलोइंग जुटाई है हालांकि इसके बाद एम की कई फिल्में न सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस को बल्कि इंडियन जनता को भी वैसा थ्रिल नहीं दे पाई अब इस यूनिवर्स के दो बेहद पॉपुलर किरदार डेट एंड वुलवीन एक धमाकेदार कोलाबोरेशन के साथ फिर से भौकाल जमाने के लिए तैयार हैं। शॉन ने बताया कि इंडियन फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और एम के इन आइकॉनिक किरदारों से उनका फेवरेट कौन है डेडपुल एंड वुलवरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये किरदार निभाने वाले रेनॉल्ड्स और ड्रैकमैन दोनों उनके अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों किरदार उनसे बहुत बड़े हैं इसलिए वो किसी के भी फैन को गुस्सा नहीं करना चाहते उन्होंने बताया हर दिन बहुत कमाल का था क्योंकि आपके पास एक रफ इंटरनल और गुस्सेल किरदार लोगन है और दूसरी तरफ वाला एक बचकाना आदमी है। ऐसी मूवी बनाना एक अलग खुशी देता है जो इन दोनों की टक्कर को एक्सप्लोर करती है फिर आप इन्हें एक लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर कर देते हैं ये कॉमेडी और कॉन्फ्लिक्ट के लिए एक मज़ेदार रेसिपी है लेविन ट्रैकमैन को विन के रोल में नाईड आदा म्यूज़ियम में भी डायरेक्ट किया है उन्हें डायरेक्ट करने के बारे में शॉन ने कहा जैकमैन एक आइकॉनिक एक्टर हैं और उनके साथ कुछ भी बनाना बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहता है और वो वुलवरीन कैरेक्टर में इतने फेमस हैं तो जनता की उनसे जुड़ी उम्मीदों को इग्नोर करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना और फिर उसे खेलना बहुत ही मज़ेदार है जब शॉन लेवी से पूछा गया कि डेडपुल एंड वुलवरीन के सेट से वो क्या साथ ले जाना चाहेंगे ववरीन के पंजे या डेडपुल का सूट तो उन्होंने कहा पंजे और कटाना यकीनन और हो सकता है कि मैंने ये दोनों चीज़ें जुरा भी ली हों या शायद नहीं इंडिया में डेडपुल एंड वलवरीन की पॉपुलैरिटी के बारे में लेवी ने कहा ये जानते हुए कि इस मूवी पर काम करना कि इंडिया में और दुनिया भर में लोग इतनी एक्साइटमेंट और उम्मीद से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं एक अद्भुत सिचुएशन है तो हमने बहुत कड़ी मेहनत की है क्योंकि ऐसा लगा कि इन फैंस के प्यार और उनकी बड़ी उम्मीदों का सम्मान करने के लिए हम इतना तो जरूर कर सकते हैं वोवरीन का एडामेंटियम स्केलेटन उसकी ड्यूरेबिलिटी को और बढ़ाता है बुलवरीन की हड्डियां मूल रूप से अटूट हैं जो उसे और भी अधिक क्षति सहने की अनुमति देती है वलवरीन अपने उपचार कारक और कंकाल की बदौलत हल के व से बच सकता है ये बहुत ही प्रभावशाली है ये देखते हुए कि हल किस तरह का नुकसान कर सकता है वलरीन का ड्यूरेबिलिटी उसका सबसे बड़ा गुण है जो उसे किसी पर भी हमला करने के लिए काफ़ी देर तक आने की अनुमति देता है वह अपने एक हाथ पर तीन तीन फुट लंबे पंजों से हमला करता है ये ब्लेड उसे काटने और छूरा घोपने की अनुमति देते हैं और उसने वर्षों में कई तकनीकों में महारत हासिल की है इसके अलावा उसका कंकाल ही एक हथियार है वोवरीन द्वारा मुक्का मारा जाना मार से ढकी स्टील की दीवार से टकराने जैसा है और वोवरीन द्वारा सिर पर मुक्का मारा जाना मलबे की गेंद से मारे जाने जैसा है वोवरीन नज़दीकी लड़ाई में माहिर है अपने आकार के हिसाब से वो असाधारण आकार में है सालों तक वरीन में पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ है ज़्यादातर सोर्सेज उसे 800 पाउंड उठाने में सक्षम बताते हैं लेकिन हाल के सालों में उसे और भी मजबूत होते दे देखा गया है वो स्पाइडरमैन क्लास का नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि अब उसके पास कम लेवल की अलौकिक शक्ति है वो एक विशेषज्ञ हाथ से हाथ लड़ाने वाला जिसने सालों में कई मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है और कटाना जैसी तलवारों के साथ विशेष रूप से अच्छा है वुलवरीन ने सबसे पहले कनाडा में स्मृति को देखकर लड़ना सीखना शुरू किया वो व्यक्ति जिससे उसके दोस्त रोज को प्यार हो गया था और उसने उसका अनुकरण करना स्टार्ट कर दिया बाद में वे जापान चले गए और वहाँ मार्शल आर्ट सीखा उनके सबसे प्रसिद्ध गुरु ओगुन थे जो एक निंजा मास्टर थे जिन्होंने अल्टीमेटली शरीर से कूदना सीखा इसलिए वुलवरीन ने जो दिखाया है उसके आधार पर उसके पास कम लेवल की सुपर ताकत है जो 800 से लेकर अधिकतम एक टन तक है उसकी पशु शक्तियों और सुपर इंद्रियों के कारण उसके पास अलौकिक चपलता है उसकी गंध की भावना उसकी सबसे शक्तिशाली और उपचारात्मक कारक है जिससे उसे लगभग अजय बनाया जा सकता है उसके कंकाल को इसमें जोड़ें और वरीन एक लंबी लड़ाई में हल्क से लड़ने के लिए पर्याप्त टिकाऊ है वुल्वरीन के पंजे एक फुट लंबे हैं और सैद्धांतिक रूप से किसी भी चीज़ को काट सकते हैं उसके युद्ध कौशल को भी उच्च दर्जा दिया गया है जो वुल्वरीन को उच्चतम श्रेणी का एक घातक लड़ाकू बनाता है वलविन एक आइकन बन गया है क्योंकि वो कुछ सबसे कठिन सेनानियों के खिलाफ लड़ाई में ख़ुद को बनाए रखता है डेड पुल का एक्समैन के साथ रिश्ता अक्सर वलविन एक आइकन बन गया है क्योंकि वो कुछ सबसे कठिन सेनानियों के खिलाफ लड़ाई में ख़ुद को बनाए रखता है डेड पुल का एक्सपेन के साथ रिश्ता अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है लेकिन उसका इतिहास म्यूटेंट की हरकतों से ज़रूर जुड़ा है वेड विल्सन एक भाड़े का सिपाही था जिसे एक आकार कैंसर हो गया था वो वेपन एक्स में शामिल हो गया क्योंकि इससे उसे बचने का मौका मिलेगा वेट को लैब में बनाया गया हीलिंग फैक्टर दिया गया और उसकी ताकत और गति में शारीरिक वृद्धि हुई हीलिंग फैक्टर ने काम किया इसने उसका कैंसर दूर किया लेकिन उसकी त्वचा हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गई इस पूरे मामले ने उसके दिमाग को तोड़ दिया और जैटबुल का जन्म हुआ आखिरकार वेपन एक्स से भाग निकला और फिर से भाड़े के के सैनिक रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया हाल के वर्षों में वो एक हीरो बन गया यहाँ तक कि उसे दो बार एवेंजर्स यूनिटी स्क्वाड में भी जगह मिली ये सही है एक एवेंजर रहा है वेड विल्सन का प्रशिक्षण अमेरिकी सेना के विशेष बल के सदस्य के रूप में शुरू हुआ लेकिन आदेशों का पालन करने में असमर्थता के कारण उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया विल्सन को उनके सैन्य रिकॉर्ड के कारण एक गुप्त सी भाड़े के समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था जहाँ उनकी मुलाकात ब्लाइंड अल से हुई थी तो डैदपुल की मुख्य महाशक्ति उसका उपचार कारक है और ये कितना उपचार कारक है पिछले कुछ वर्षों में कई कॉमिक्स में ये स्थापित किया जा चुका है कि डैटपुल का उपचार कारक वुल्वरीन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है डेडपुल किसी भी चीज से बच सकता है अगर उसका सर काट दिया जाए तो वो कुछ हफ्तों में अपना शरीर फिर से उगा लेगा वो लगभग किसी भी घाव से तुरंत ठीक हो सकता है विस्फोट उसके लिए मायने नहीं रखते क्योंकि वो बच जाएगा और ठीक हो जाएगा डेडपुल की हड्डियों और मांसपेशियों में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन ये वास्तव में उसका उपचार कारक है जो उसे आगे बढ़ाता है अमेरिकी सुपर हीरो मूवी डेडपुल एंड वोन रिलीज को रेडी है बुकिंग जोरों शोरों से चल रही है इस मूवी की इस हॉलीवुड मूवी का भारतीय ऑडियंस के बीच भी उत्साह देखने को मिल रहा है अंग्रेजी के साथ साथ ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो रही है मार्बल स्टूडियोज ने सुपर बाउल एल वी थ्री प्रमोशन के दौरान तीसरी डेडपुल मूवी के लिए पहला तीसरा ट्रेलर जारी किया था जिसमें खुलासा किया गया कि इसे डेटपुल एन वुलवरीन कहा जाएगा अब आइए जानते हैं मार्बल सिनेमारिक यूनिवर्स के टाइम वेरियंस अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टाइम वेरियंस अथॉरिटी मार्बल कॉमिक्स की अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाला एक काल्पनिक संगठन है इसे टाइम मॉनिटर के एक ग्रुप के रूप में दर्शाया गया है जिसका काम कुछ ऐसी टाइमलाइन को रोकना है जिन्हें मल्टीवर्स के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है टाइम वेरियंस अथॉरिटी उन लोगों से डील करते हैं जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हें टाइम पुलिस भी कहा जाता है टाइम वेरियंस अथॉरिटी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉकी सीरीज में प्रमुखता में दिखाई गई है टी का काम टाइम के फ्लो को मेनटेन करना होता है और टाइम में कोई भी विचलन होना चाहिए टी का मकसद सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करना होता है ट्रिक सिंगल ट्रू टाइमलाइन है जिसे टाइम कीपर्स ने बनाया है टी के एजेंट जैसे मोबियस एम मोबियस वेरिएंट इस को ट्रैक करते हैं जो अपनी मूल टाइमलाइन से अलग हो जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके उनके कार्यों को रीसेट करते हैं ताकि टाइमलाइन में कोई भी परेशानी ना हो लॉकी सीरीज़ में लॉकी का एक वेरिएंट टीवीए के साथ काम करता है ताकि उसकी मदद से एक और खतरनाक वेरिएंट को रोका जा सके सीरीज टी के जटिल नियम नौकरशाही और उसके अंत रहस्यों को तलाशती है टीवीए में समय अलग अलग तरीके से आगे बढ़ सकता है लेकिन एम के ऑडियंस के लिए इसका इतिहास जानना बहुत ही ज़रूरी है टाइम वेरियस अथॉरिटी की मल्टीवर्स सागा और एवेंजर्स की कांग दी कॉनकरर और उसके कई रूपों के खिलाफ आने वाली लड़ाई में प्रभाव डालती है टाइम वेरियंस अथॉरिटी के अस्तित्व में आने से पहले मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ा टाइम वॉर छड़ा हुआ था इस युद्ध का नेतृत्व टाइम वॉर के समापन के बाद वो जो बचा रहता है उसने टाइम वेरियंस अथॉरिटी का निर्माण किया ये एक ऐसी एजेंसी है जो मल्टीवर्स की देख करती है टाइम वेरियंस अथॉरिटी के जरिए एम सी यू की कहानियों में आई तब्दीलियों के बाद ऑडियंस ने इसे और भी ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया लॉकी सीरीज हाल ही में रिलीज़ हुई इसमें टाइम वेरियस अथॉरिटी को दर्शाया गया है इस कॉन्सेप्ट ने ऑडियंस के बीच खूब लोकप्रियता हासिल की है आज के समय इस तरह की साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहे वहीं मार्बल ने बेहद ही ह्यूमरस और पेशेवर ढंग से इस चीज़ को लॉकी सीरीज में दिखाया है वलवरीन ने दुनिया को वेपन एक्स प्रोजेक्ट से परिचित कराया वेपन प्लस की जांच में एक सुपर सैनिक परियोजना जिसका उद्देश्य म्यूटेंट को टेम्प्लेट के रूप में उपयोग करके दसवीं पीढ़ी के परिपूर्ण सैनिकों का निर्माण करना था वल्वरीन और सेबटोत्थ के कहने पर शामिल हुए और उनके म्यूटेंट हीलिंग कारक परियोजना के लिए बहुत वैज्ञानिक मूल्य के थीं वेपन एक्स ने वलवरीन और सेबटोत्थ पर अपने प्रयोगों से जो सीखा उसे आगे चलकर काम मिलाया इस प्रयोग के कारण वेन विल्सन डेडपूल बन गए क्योंकि वेपन एक्स ने म्यूटन से जो सीखा था उसका उपयोग वेट को सुपर पावर देने के लिए किया गया वुल्वरीन और डेडपूल के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई लेकिन एक सवाल जिसका शायद ही कभी ठोस जवाब मिलता है वो ये है कि वुल्वरीन या डेटपुल में से कौन अधिक शक्तिशाली है हालांकि उनके कारनामों और उपलब्धियों से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं पाँच मई 2024 को डेविड हार्ट द्वारा अपडेट किया गया मार्वल पाठकों को वो सब डेडपूल और वुलवरीन दे रहा है जो वे कभी भी चाहते हैं डेडपूल एंड वुलवरीन चौबीस जुलाई 2024 को रिलीज होगी एक सिनेमाई टीम अप जिसे हर कोई चाहता था क्योंकि एक्स मैन ऑरिजिन वुलवरीन ने इसे इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था कॉमिक साइड में डेडपूल और वुल्वरीन डब्ल्यू डब्ल्यू थ्री में दिग्गज डेडपूल लेखक जो कैली जो इस किरदार की आधुनिक अवधारणा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति है कलाकार एडम कुर्बट के साथ काम करते हैं जिन्होंने पिछले तीस सालों की कई बेहतरीन वुलवरीन कहानियों को लिखा है ये दोनों प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि प्रत्येक किरदार सबसे अच्छा क्यों है पिछले कुछ सालों में वुलवरीन में बहुत बदलाव आया है लेकिन उसकी क्षमताओं के बारे में कुछ बातें जानी जाती हैं सबसे पहले उसने अपनी सुपर सेंस को बढ़ाया जो अच्छी तो है लेकिन डे डेविल के स्तर की नहीं है हालांकि वल्वरीन की सूंखने की शक्ति डे डेविल से भी बेहतर है फिर उसका उपचार कारक जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बदल गया है पहले के दिनों में वल्वरीन का छुरा और गोली के घाव से जल्दी ठीक हो जाते थे लेकिन बड़ी चोटों में अधिक समय लगता था पिछले कुछ सालों में ये और भी शक्तिशाली हो गया है वलवरीन की सबसे बड़ी हीलिंग फैक्टर वलवरीन वॉल्यूम थ्रू हैश टैग से आती है जहाँ उसे विलन नाइट्रो द्वारा एटोमाइज किया जाता है वलवरीन को पहली बार अल्टीमेट हल्क बनाम वलवरीन टैग वन में दो हिस्सों में फाड़ा गया था लेकिन वो 1610 हंड्रेड टेन यूनिवर्स में हुआ था ये सबसे नोटेबली तरीके से एक्स फोर्स वॉल्यूम से हैश टैग फाइव में सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन यूनिवर्स में हुआ था एग्जाम्पल के लिए पिछले डेढ़ दशक में वुल्वरीन को कई बार दो हिस्सों में चीर दिया गया है जो निश्चित रूप से उस समय उसकी जान ले लेता है अब वो आमतौर पर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रह सकता है और फिर वो दोनों हिस्सों को एक साथ रखता है ताकि वो ठीक हो जाए वलवरीन को 100 प्रतिशत मारने वाली एकमात्र चीज़ डूबना है इसके अलावा वलवरीन ज़्यादातर हमलों से ठीक हो सकता है ज़्यादातर कॉमिक बुक क्रॉसओवर की तरह डेट और वलवरीन डब्ल्यू डब्ल्यू थ्री की शुरुआत दो नायकों के बीच अचानक हुई एक टीम से होती है दोनों के अलग होने के बाद वुलवरीन को मर्क विद माउथ को खोजने के लिए भेजा जाता है वो डेडपुल को खोजने के लिए सुरागों का अनुसरण करता है हालांकि अज्ञात पार्टियों ने उसे बहुत ज़्यादा बदल दिया है डेडपुल जो असामान्य रूप से शांत है अपनी भुजाओं से उजरा ब्लेड उगलता है और वलवरीन पर हमला करता है उसे नीचे गिरा देता है ये एक और लड़ाई है जहां डेडपुल ने कम से कम इस लड़ाई के शुरुआती चरण में जीत हासिल की है इस लड़ाई के बारे में दिलचस्प बात यह है कि एक्समैन में सबरे टूथ और डेडपुल के बीच की लड़ाई की छाया है हर कोई हमेशा उस लड़ाई की आलोचना करता रहा है इसलिए ये देखना शानदार होगा कि कैली और कुर्बा डेडपुल के संस्करण को श्रृंखला के शेष भाग में कैसे काम करवाते हैं डेडपुल के सीमा श्रृंखला में बाद में ही पता चलेगी लेकिन फिर भी ये अभी भी एक और लड़ाई है जिसमें डेड पुल को चोट पहुंचाता है डेडपुल अक्सर वलवरीन को हरा सकता है क्योंकि उसके हथियारों की पहुंच आम तौर पर वलवरीन के पंजों से ज़्यादा होती है और वो आमतौर पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहले पहुंचा सकता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब कैसे होगा हालांकि ये इस बात पर और प्रकाश डालता है कि वलवरीन जितना मजबूत है डेड उतना ही घातक है टीरे मार्वल कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित अमेरिकी कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाला एक सुपर विलन है इस किरदार को डोके और एड ने बनाया था एक भाड़े के सैनिक उन्होंने श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई टीरे ने वेड विल्सन जिसे डेटपुल के नाम से भी जाना जाता है को याद दिलाया कि वो कितना असफल था वो कई मुद्दों पर डेटपुल का कट्टर दुश्मन है और डेटपुल के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके द्वारा रची गई एक चाल थी टीरे को हेल हाउस में घूमते देखा जाता है एक ऐसी जगह जहां डेटपुल और अन्य भाड़े के सैनिकों को उनके काम मिलते हैं और टीरे लगातार दिखाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन बड़ा आदमी है साथ ही बेहतर भाड़े का सैनिक भी इन मौखिक संघर्षों के दौरान टीरे आमतौर पर अस्पष्ट धमकियां देता है जबकि डेट 1980 के दशक के पॉप कल्चर के साथ जवाब देता है कई सीन से पता चलता है कि टीरे एक क्रूर बेरहम हत्यारा है वो हेल हाउस में एकमात्र भाड़े का सैनिक था जो एक ऐसा काम करने के लिए तैयार था जिसमें बच्चों की भीषण तरीके से हत्या कर दी जाती है एक सीन के दौरान जहां टीरे अपने पीड़ितों के शवों के बीच ध्यान कर रहा है उसकी पीठ पर कई नामों का टैटू देखा जाता है सभी में एक को छोड़कर सभी में एक एक्स है अंतिम नाम जिसे पार नहीं किया गया वो डेडपुल का असली नाम है विल्सन विल्सन एक घायल भाड़े के सैनिक को ले जाता है जो अल्टीमेटली मॉसरीज को मार देता है और वेट को मरने के लिए छोड़ देता है वो केवल इस बात पर विवाद करता है कि किसने क्या भूमिका निभाई अगर डेडपुल वास्तव में कहानी में वेड विल्सन था और ड्रैक नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि डेडपुल का एक खुशहाल शादीशुदा कॉलेज में पढ़ा लिखा जो उसके शुरुआती जीवन के किसी भी अन्य कॉमिक बुक चित्रण के विपरीत है डेडपुल को ड्रैक के साथ हुई घटना से पहले मोसरीज के साथ अपने जीवन का कोई भी चीज़ याद नहीं है टीरे का दावा है कि ऐसा नहीं है कि डेडपुल को यह या अतीत याद नहीं है वो बस इसे नहीं जानता टीरे और मोसरीज़ के विपरीत टीरे की कलाकृति को नष्ट करने के बाद डेडपुल का दावा है कि इससे साबित होता है कि वो असली वेडवल्सन है इसका मतलब ये हो सकता है कि वो उस कहानी के दौरान टीरे द्वारा बनाई गई प्रतियों में से एक था इसने ऑडियंस को हैरान कर दिया जिन्हें कोई कारण नहीं मिला कि प्रतियों का गायब होना किसी भी तरह से टीरे की कहानी को साबित या गलत नहीं करता ये संभव है कि ये तथ्य कि वो टीरे में वापस समा गए थे दर्शाता है कि वे उसके बिखर चुके व्यक्तित्व के टुकड़े थे ना कि के। मार्वल यूनिवर्स की हाल ही में जारी आधिकारिक हैंडबुक में बताया गया है कि डेट पुल का असली नाम ज्रैक है डेट पुल हैश टैग में फीचर डेट पुल सागर की पहचान के बारे में कुछ नहीं बताता है लेकिन युवा डेटपुल को भाग्य के एक अनाम सैनिक के रूप में वर्णित करता है जो मर्सिडीज के प्यार और वेड विल्सन की पहचान को चुराना चाहता है और बाद में टीरे को असली वेड के रूप में वर्णित करता है जो जीवन में वापस आ गया है फीचर के अनुसार अभी भी सौम्य रूप से डेटपुल ने मर्सिडीज को मारने के बाद अपना दिमाग खो दिया इस प्रकार उसे एक मुकाबला तंत्र के रूप में वेड मान लिया टीरे ने रॉम्बी की खूबी उसकी त्वचा पीली है अनबिलीवेबल ताकत और ड्यूरेबिलिटी है और वास्तव में एक समार की बदबू हालांकि उसके पास स्वतंत्र इच्छा है और बुद्धिमता है डेडपुर हाश टैग टू में उसके शरीर में छेद होने के बाद ये पता चलता है कि उसके अंदर अंगों के बजाय गंदगी है ये उसके दिल की कमी के दावे का समर्थन करता है उन्हें जादू का व्यापक ज्ञान है विशेष रूप से वुडू अनुष्ठानों का जो उन्हें मृतकों को, को जीवित करने की अनुमति देता है थानोस के सेवक के रूप में उसके पास एक ऐसी कलाकृति थी जो डेटपुल के व्यक्तित्व के पहलुओं को ले सकती थी और उन्हें स्वतंत्र अस्तित्व दे सकती थी ऐसा हॉलीवुड फिल्मों में कम ही होता है लेकिन जब भी होता है कमाल होता है अपनी अपनी शैली के दो दिग्गज कलाकार पहले किसी कमाल के निर्देशक के साथ अलग अलग काम कर चुके हों दोनों कलाकार आपस में दोस्त भी हों और फिर फिर एक दिन किस्मत मौका दे तीनों को एक साथ काम करने का बिल्कुल अमर अकबर आंधनी जैसा कुछ करने का मूवी डेडपुल एंड वलवरी में शॉन लेवी रियान रेनॉल्ड्स और जैकमैन ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं मूवी को देखने के लिए आपको एम का सिलेबस याद करके नहीं जाना है इस मूवी को समझने के लिए जितना एम ज्ञान आपको चाहिए इसके ज्ञान चंद मूवी के दौरान ही दे दिए जाते हैं मूवी डेट एंड वुलवरीन दरअसल एम के ध्यान चंद ज्ञान चंद और करमचंद तीनों का लिटमेस टेस्ट जैसा है साल 2022 और 23 में एम की छह फिल्में और आठ वेब सीरीज ने एम के समर्पित भक्तों को भी बागी बनने पर मजबूर कर दिया इन सारी किताबों को एम के क्लासरूम में बाहर फेंक कर निर्देशन टॉन लेवी ने अपने पुराने दोस्त जैकमैन को एक्समैन सीरीज की आखिरी मूवी लोगन से उठाया और अपने कुछ ही साल पहले बने पक्के दोस्त रेन रेनॉल्ड को डेटपुल से फिर कहानी वहाँ से स्टार्ट की जहाँ डिजी ने हॉलीवुड की दिग्गज कंपनी ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स का अपने में विलय किया था मूवी में इसका विशाल काय पत्थर का बना लोगों धरती में धंसता दिखाई देता है और यहीं से शॉन लेवी को एक्स मैन के दूसरे सितारे भी चमकते दिखाई देते हैं मूवी डेड बोल एंड वुलवरीन देखने के लिए आपको बस इतना समझना है कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी क्या है और मल्टीवर्स क्या है अलग अलग कालखंडों में और अलग अलग धरती पर हो रही घटनाओं पर नजर रखने वाली एजेंसी इस बार डेडपुल को उठा ले जाती है डेडपुल को अलग अलग दुनियाओं में भटकने का मौका मिलता है तो इस जानकारी के बाद कि उसकी अपनी दुनिया बस अगले बहत्तर घंटों में नष्ट होने वाली है समय में आगे पीछे डोलती इस कहानी की ध्रुव शक्ति उसे तमाम यूनिवर्स में भटकने के बाद मिलती है दोनों एक दूसरे से अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की तरह लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे की जान के प्यासे भी होते हैं लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते आगे मामला हिंदी फिल्मों जैसा ही है शाकाल टाइप की एक विलन भी है जिसे दूसरों के दिमाग में उंगली करने की खराब आदत है शुरू के तीस मिनट मूवी कमाल है यूँ लगता है कि रेन रेनॉल्ड ने मूवी किल के कत्लों का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रण कर लिया है इतना खून खराबा पर्दे पर मचता है लेकिन ऑडियंस उसमें भी मज़े लेते दिखते हैं रौद्र वीर और भयानक सारे रस एक दूसरे में मिले हुए होते हैं और बीच बीच में हास्य का छौका माहौल को महकाए रखने की पूरी कोशिश करता है कहानी तय हो जाती है दोनों सुपर हीरो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं बस इसके बाद लेखक टी ब्रेक ले लेते हैं कहानी नीचे गोता लगाती है और इसके पहले की बीते दो साल की एम की अधिकतर फिल्मों की तरह ये मूवी और गहरा गोता लगाए पांच पांडव सरीखे फिल्म के पांच लेखक मिलकर महाभारत संभाल लेते हैं मूवी हॉलीवुड में आर श्रेणी में पारित है और आपने ये ए यानी व्यसकों के लिए से ऊपर कोई दूसरी श्रेणी नहीं होती बस सोच लीजिए कि साक्रट गेम्स के दौर के अनुराग कश्यप अगर डिज्नी की कोई मूवी निर्देशित करते तो क्या होता मूवी डेडपूल एंड वुल्वेरीन वही मूवी है डिज्नी की फिल्मों में एलजीबीटीक्यू का किस्सा पुराना हो चला है मूवी डेडपूल एंड वुल्वेरीन में डेडपूल हरकते भी उसके बार-बार इसी तरह बह निकलने की चुगली करती रहती है डायलॉग्स में गालियाँ इतनी हैं कि अगर सारी गालियाँ मूवी से निकाल दी जाए तो शायद फिर सारी डायलॉग्स में डेट एंड एन वुलवरी सुनने को बचे और बख्शा इसके लेखकों ने बेबी पुल को भी नहीं लिखा खैर ये डेट की अपनी पहचान की जरूरत है उसने पिछली दो फिल्मों में ऑडियंस से बात करके जो अपनी ब्रांडिंग ऑडियंस के बीच बनाई है उसने डिज्नी की फिल्मों को केवल व्यसकों के लिए बनाने का भी इतिहास बना दिया केविन फेगी कह चुके हैं कि अभी और म्यूटेंट्स इस कहानी में आने बाकी हैं मूवी डेड पुल एंड बुलबरीन को देखने के बाद शायद इसका अंदाज़ा भी ऑडियंस को हो जाएगा एक्स मैन और फैंटास्टिक फो के किरदारों से सांसें पाता फिल्म डेड पुल एन वुल्वरीन का क्लाइमैक्स कमाल है एन क्रेडिट के बीच आने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन भी नए इशारे कर जाता है बतौर निर्देशक शॉन लेवी ने रियान रेनॉल्ड के साथ हैट्रिक लगाई है फ्री गाय और आदम प्रोजेक्ट में दोनों का साथ खूब जमा और अब रियल स्टील माफिक ट्रैकमैन ने इस जोड़ी से मिलकर तिकड़ी बना लेने में एमसीयू की पूरी भौतिक बदल डाली है डेथ एंड बुलवरीन की केमिस्ट्री कमाल है दोनों का साथ बिल्कुल जय जै वीरू जैसा है हालांकि काम दोनों खून पसीना वाला करते हैं मूवी के डायलॉग बेहद चुटीले और आग लगाने टाइप्स हैं संगीत एम की फिल्मों का शानदार रखने की कोशिश केवन फैगी हर बार करते हैं एमा कॉरेन ने भी मूवी का टेंट पॉल तने रखने में दोनों लीड किरदारों की अच्छी मदद की है मूवी सिर्फ बड़े बच्चों के लिए लिहाजा परिवार के साथ इसे देखे जाने की भूल कतई ना करें हाँ अगर आपका कोई बॉयज़ या गर्ल गांग है तो आप उसके साथ मूवी देख कर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और परफेक्टली मूवी देख भी सकते हो इस साल सिनेमाघरों में पहली बार आने वाली डेड एंड वुलवरिन एकमात्र मार्वल मूवी है इसलिए ऑडियंस ये देखने के लिए बेताब है कि इस मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी में कौन कौन नज़र आता है चाहे वो फ्लीटिंग ही क्यों ना हो खैर मार्बल फेस फाइव की मूवी ऑडियंस को लुभाने वाले कैमियो से भरी परी है जिसने इसे देखने वालों को खुश कर दिया है तो 2024 की सबसे रोमांचक नई फिल्मों में से एक में कौन दिखाई देगा हमने पिछली एक्समैन फिल्मों और इसके अलावा हर एक किरदार को लिस्टेड किया है जो वास्तविक रूप में दिखाई देता है इसका मतलब है कि हमने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी टी वी ए के मॉनिटर पर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स मूवी फुटेज में दिखाई देने वाले किरदारों को शामिल नहीं किया है जिसमें थॉर और उसके साथ ही शामिल हैं हो और जबकि हमने इस इंफॉर्मेशन में सभी के लिए एक छवि खोजने की पूरी की पूरी कोशिश की पूरी को है इसलिए अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो अपने जोखिम पर आगे बढ़ें अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले हमारा स्पॉयलर लाइट डेट पुल और वरीन रिव्यू जान लो एडवेंचर एंड में अपनी मृत्यु तक आयरन मैन के सबसे करीबी सहयोगी और दोस्त रोल्ड हैप्पी होगन मूवी के पहले कैमियो हैं वो डेडपुल 2 के बाद वेड वुल्सन यानी डेडपुल के साथ हसीन मजाक वाली मुलाकात के दौरान पहले 10 मिनट में दिखाई देते हैं जो होगन को उन्हें एडवेंचर्स में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है ये विल्सन के लिए अच्छा नहीं होता डेडपुल की बहुआयामी खोज के दौरान देखे गए सात वुलवरीन रूप में से पहला जो उसकी दुनिया में रहने के लिए एक नया वुलवरीन खोजने के लिए है क्रोध से भरे म्यूटेंट का एक पॉकेट साइज वर्जन जो स्रोत सामग्री में हीरो के पाँच फिट तीन इंच के फ्रेम में करीब है आइकॉनिक वलवरीन स्टार ज्रैकमैन द्वारा प्रफुल्लित करने वाले प्रभाव के साथ खेला जाता है जो डेडपुल थ्री में एक बार फिर से महान एक्समैन सदस्य की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। मुझे नहीं लगता कि आखिरी बार है जब ज्रैकमैन उसे निभाएंगे कॉमिक्स में वुलवरीन के कई उपनामों में से एक है पैच जिसमें आंखों पर पट्टी और बेदाग साफ सफेद टक्सैडो है और जिसे जागमान ने फिर से निभाया है डेडपुल द्वारा मैड्रीपुर द्वीप पर पाया जाने वाला एक और रूप है हालांकि डेडपुल को उससे कहीं ज़्यादा मिलता है जिसकी उसे उम्मीद थी जब पोकर गेम के दौरान रीजेनरेटिंग डीजेनरेट से उसे परेशान किया तो पैश ने उसकी थोड़ी यानी निचले जबड़े में छोड़ा खोप दिया हमारे फ्रंटियर से प्रेरित इस किरदार को डेडपुल ने भी अपने टी वी एडवेंचर के साथ दौरान पाया दुर्भाग्य से डेडपुल इस वॉलवी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहता है बाद में सीने पर डबल बैरल शॉटगन ब्लास्ट करक उसके अनुरोध को जोरदार तरीके से ठुकरा देता है मार्वल ने कॉमिक बुक रेफरेंसेस की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी है जिसे लंबे समय से एक्समैन के ऑडियंस डेट और बुलबरीन में तुरंत पहचान लेंगे ऐसा ही एक एग्जाम्पल टेटपोल को पृथ्वी टू नाइन फाइव के जेम्स लोगन हॉलेट के गलत पक्ष में ले जाता है जो इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स में अपने एक्सपेरिमेंट बेस्ड उपनाम वेपन एक्स से जाना जाता है वो अपने फोर आर्म के लिए मेटल के रिप्लेसमेंट और एक काले और लाल पोशाक के लिए उल्लेखनीय है कैरेक्टर का ये एटीरेशन पहली बार पहली बार एक्समैन अल्फ़ा वॉल्यूम वन में दिखाई दिया कुछ अस्पष्ट कॉल बैक की बात करें तो अनकैनी एक्स मैन वॉल्यूम टू 221 वन उर्फ फीवर ड्रीम के कवर से प्रेरित एक सीन है डेडपुल लेट के एक वोरीन के साथ रास्ता पार करता है स्पष्ट रूप से एक दुविधा में ये वोल्वी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मदद के लिए डेडपुल की ओर देखता है लेकिन उसका संभावित उद्धार करता आमतौर पर विरोधी अंदाज़ में दूर चला जाता है। अ अफोर्मेंशन की तरह जैकमैन भी ब्राउन ओटर वुल्वरीन के रूप में जाने-जाने वाली सीरीज की भूमिका निभाते हैं, जो चरित्र की सरसों और भूरे रंग की पोशाक में तैयार है, जिसे उन्होंने पहली बार अनकैनी एक्समैन #139 में एक लड़ाई के लिए पहना था, जिसे ऑडियंस लंबे समय से बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी जिसके बारे में बात करते हुए जी हाँ हर किसी का पसंदीदा हरा चमकीला मांस लड़का खुद इनक्रेडिबल हल्क डेडपुल के बीच में आने से पहले वॉलवी के साथ लड़ने वाला है दुर्भाग्य से क्योंकि हम उसे केवल पीछे से देखते हैं इसलिए हम नहीं जानते कि वो हल्क मार्क रफालो एडवर्ड नॉटन या एरिक बाना द्वारा निभाया गया फिर भी वुल्वरीन और हल को बड़ी स्क्रीन पर आमने सामने देखना ऑरियंस को खुश करने वाला पल है भले ही ये कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो फाइनल वलवरीन वेरिएंट मूवी का पहला रियल के चीयर कैमियो है जिसमें डेटपुल को वलवरीन के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया जिसका किरदार ऑडियंस के पसंदीदा अभिनेता हैंनरी केबल ने निभाया ये सफ़ेद जैकेट पहने वॉल अपनी प्यारी मोटरसाइकिल की देखभाल कर रहा है तभी डेट अचानक आता है और फिर केवल राइन हाँ ज़ाहिर है हम जब उसी उसी नाम से उसे पुकारते हैं का मुरीद हो जाता है हालांकि ड्रैगमैन द्वारा चित्रित अधिकांश वेरिएंट्स की तरह केवल का स्वभाव भी खराब है जिसका प्रदर्शन वो डेरपुल की अपनी मुट्ठियों से करता है मार्वल की इंफिनिटी सागा में कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने से पहले क्रिस इवांस को शायद ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स की फैंटास्टिक फोक फिल्म डोलॉजी में जॉनिंग स्टॉम टॉर्च की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था ऐसी अफवाहें हैं कि वारा एंड गेम में सुपर हीरो की वाइब्रेनियम शील्ड को लटकाने के बाद वो भविष्य की एवेंजर्स मूवी में एक आखिरी बार कैप की भूमिका निभाने के लिए वापस आएंगे इसलिए हमें उम्मीद है कि वो किसी ना किसी स्तर पर अपनी सबसे फेमस भूमिका को फिर से निभाएंगे हालांकि हमें कम ही पता था कि वांस वास्तव में डैरपुल और बुलवरीद में अपनी एम वापसी करेंगे कैप के रूप में नहीं ध्यान दें लेकिन जॉनी स्टार्म ह्यूमन टॉर्च के रूप में वो शीर्षक जोड़ी की पहली क्रूर लड़ाई के ठीक बाद उन्हें चेतावनी देने के लिए प्रकट होता है कि कैसेंड्रा नोवा की उत्परिवृत्ति सेना आ रही है इवांस का स्टॉम हर सीन में शो चुरा लेता है दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहता उसे पकड़ने और सबसे अपमानजनक तरीके से उसका अपमान करने का आरोप लगाने के बाद नोवा अपनी टेली टेलीकेटिक शक्तियों का उपयोग करके उसकी हड्डियों से त्वचा को चीर कर उसे मार देती है अन्य एम फिल्मों की तरह ऑडियंस ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि क्या इसमें बहुचर्चित पोस्ट क्रेडिट सीन होगा या नहीं पिछली दो डेटपुल फिल्मों में पोस्ट क्रेडिट सीन थे एक रिपोर्ट के अनुसार डेडपुल एंड वुलविन या डेडपुल थ्री में एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा ऑडियंस को धैर्य रखना होगा और सिनेमा घर नहीं छोड़ना होगा क्योंकि अतिरिक्त सीन्स अंतिम मोन्टाज के बाद ही दिखाई जाएंगे फिल्म फ्रेंचाइज की तीसरी मूवी में जैपमैन का वुलवरीन रिटायरमेंट से लौटता है और बुद्धिमान रेान रेनोल्ड्स की डेडपुल कोर्स की दुनिया बचाने में हेल्प करता है जैकमान ने ककड़ पंजे वाले एक्स-मैन वोल्वरिन की भूमिका को फिर से निभाने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन अभिनेता ने कहा कि पहली डेडपूल फिल्म देखने के बाद उनका मन बदलने लगा उन्होंने कहा मुझे पता था कि ऑडियंस के लिए ये वो चीज होगी जिसका वो इंतजार कर रहे थे मुझे पता था कि यह एक ऐसी गतिशीलता होगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी मुझे नहीं पता था कि 55 साल की उम्र में ऐसा करना शारीरिक रूप से कितना ज़्यादा कठिन होगा लेकिन ये पूरी तरह से इसके लायक है मैंने हर पल का आनंद लिया है 47 साल रेनॉल्ड्स के लिए मूवी को दुनिया के सामने लाना दूसरी चिंताओं के साथ आता है मुझे लगता है कि मैंने इस एक मूवी को करने के लिए अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इंतज़ार की है एकमात्र समस्या जो सामने आती है वो ये है कि मुझे नहीं पता कि हमें आगे क्या करना चाहिए इस वर्ष रिलीज़ हुई एकमात्र मार्वल डिज्नी मूवी डेटपुल एंड वलवरी ने 24 जुलाई को वर्ल्ड वाइड में प्रदर्शित होने वाली बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की उम्मीद भी की इसमें हम डेटपुल को टी वी में पाते हैं जैसा कि लॉकी में स्थापित किया गया है टीवी अनिवार्य रूप से पुलिस वाले हैं जो मल्टीवर्स में हर पैरल टाइमलाइन पर नज़र रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी गलत ना हो डेड पुल चौथी दीवार तोड़ता है वो कुछ साफ़ करना चाहता है हालांकि उसने नोवा का अपमान किया और जॉनी स्टॉम पर इसका आरोप लगाया लेकिन वो कहता है कि वो स्टॉम की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है भले ही ऐसा लग रहा था कि वो जिम्मेदार है वो दावा करता है कि उसने बस वही दोहराया जो स्टॉम ने उन्हें पकड़े जाने पर बताया था अपनी बात को साबित करने के लिए वो टीवी ए निगरानी फुटेज को रिवाइंड करता है और हमें दिखाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था निश्चित रूप से जॉनी स्टॉम ने एक गाली गलौज से भरा अश्लील भारी इकाला प्रस्तुत किया इवांस के मूल बॉस्टन उच्चारण में और भी बहुत कुछ जिसमें फैलेटियो एन लिंगस और कैसेन्ड्रा के गंजेपन के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ शामिल हैं वो जेटपुल से कहता है कि वो इसे दोहरा सकता है लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसे ज़िंदा ही खाल उधेड़ने का जोखिम उठाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही भयानक है मुँह वाला भाड़े का सैनिक निर्दोष है शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़ाहिर तौर पर उसके पास टी मुख्यालय और ज़ाहिर तौर पर इसकी लाइन तक पहुँचे इस जटिल ब्राह्मण के तर्क और संरचना के अनुसार इसका मतलब है कि किसी भी एम प्रॉपर्टी में दिखाई दे सकता है और व्यंग कर सकता है हालांकि अभी के लिए वो आपको क्रिस इवांस को बिल्कुल गंदी बातें कहते हुए दिखाने में ही संतुष्ट है डेड एंड वुल्वरीन आखिरकार नैतिक रूप से लचीले भाड़े के सैनिक वन वुल्सन को एम में लाता है लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है क्या ये पिछली दो डेड फिल्मों का ही सीक्वल है या कुछ और है हमारे पास आपके लिए यही जवाब है लेकिन तैयार रहें ये जटिल होने वाला है और हम स्पॉयलर के बारे में बात करेंगे इसलिए ये आपकी पहली और एकमात्र चेतावनी है यदि आप नहीं जानना चाहते कि डेड एंड वलवरीन के अंत में क्या होता है तो अभी नज़र हटा लो अगर आपने डेटपुल की पहली दो फिल्में देखी हैं तो ये सोचना कि अति हिंसक, अति शर्मीले, चौथी दीवार तोड़ने वाले किरदार का परिवार के अनुकूल थौर कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन जैसे किरदारों के साथ एक ही दुनिया में रहना शायद थोड़ा असंगत है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है पिछली दो डेडपुल फिल्में और इस एक अधिकांश भाग सभी एक अलग दुनिया में होती है जिसे स्क्रीन पर अर्थ 10,005 के रूप में नामित किया गया इस बीच आयरन मैन के साथ शुरू हुई यू फिल्म सीरीज पूरी तरह से और 616 पर सेट है। इसके पीछे एक वास्तविक दुनिया का कारण है अर्धार्थ डेपुल्रेंचराइज की शुरुआत ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स द्वारा निर्मित एक्समैन मूवी फ्रेंच्राइज के स्पिन ऑफ के रूप में हुई थी इस बीच एमसीयू फिल्म के स्वामित्व वाले मार्वल स्टूडियो द्वारा बनाई जाती है लंबे समय तक इन फ्रेंचाइज के बीच कोई क्रॉसओवर नहीं था क्योंकि वे अलग अलग कंपनीज द्वारा बनाई गई थी हालांकि 2019 में फॉक्स के साथ विलय के बाद मार्वल स्टूडियोज के पास अब एक्समेन पाथ्रो और डेडपुल तक पहुंचे हैं जिससे इन दो अलग अलग दुनियाओं का ओवरलैप और इंटरैक्ट करने की अनुमति मिलती है इसलिए डेट पोल एंड वुल्बरीन इतना सब कहने के बाद डेट पोल एंड वुलबरीन का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये सिर्फ एक पृथ्वी पर ही आधारित नहीं है बल्कि कई अन्य पृथ्वी पर बेस्ड है आश्चर्यजनक रूप से इसका उत्तर है नहीं मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वर पृथ्वी 616 पर आता है और एवेंजर के रूप में नौकरी के लिए आवेदन करता है वो जॉन फेवरो द्वारा अभिनित हैप्पी होगन के साथ तो इंटरव्यू में असफल हो जाता है और निराश होकर पृथ्वी टेन थाउजेंड फाइव पर वापस चला जाता है कुछ समय बाद खलनायक पैराडॉक्स डेडपुल को पृथ्वी सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन पर स्थायी रूप से जाने के लिए लुभाने की कोशिश करता है क्योंकि वो पृथ्वी टेन थाउजेंड फाइव को नष्ट करने की योजना बना रहा है हम क्लासिक एवेंजर्स की कुछ क्लिप एक्शन में देखते हैं जिसमें थॉर द्वारा घायल या मरते हुए डेडपुल को गोद में लिए जाने का एक स्पष्ट भविष्य का दृश्य शामिल है लेकिन पैराडॉक्स ने वेट के अपने परिवार और दोस्तों के प्रति लगाव पर भरोसा नहीं किया है डेडपुल इस सौदे से इनकार कर देता है और उसे शून्य में भेज दिया जाता है जहाँ अंतिम दृश्य तक मूवी का अधिकांश भाग होता है अंत तक डेडपूल और वुल्वरीन दोनों पृथ्वी 10,005 पर सुरक्षित रूप से रह रहे हैं और दोनों मुख्य एम निरंतरता से अलग रहते हैं कम से कम अभी के लिए ये एक अजीब अवास्तविकता है जिसे पहली बार लॉकी के पहले सीजन के एपिसोड पाँच में एम में पेश किया गया था हमारे पास एक गहन व्याख्याकार है जो इसके कॉमिक बुक मूल में भी जाता है जो राक्षसी एलियोथ द्वारा संचालित है डेटपुल एहन वुलवरीन में हम सीखते हैं कि शून्य पर अब खलनायक कैसेंड्रा नोवा का शासन है नोवा के परिचय के साथ ही मूवी में अपने अधिकांश लौटने वाले पात्रों को भी दिखाया गया ये सभी एम के बजाय ट्वेंटीथ सेंचुरी की फॉक्स फिल्मों से है आपको ब्लेड और इलेक्ट्रा जैसे उच्च प्रोफाइल नायकों के साथ साथ टॉ जुगनॉट और अजाजेल जैसे दुष्ट म्यूटेंट भी मिलते हैं इस बीच ट्रेनिंग टाटम का गैमिप्ट न्यूटेंट रैमी लेब्यू के बारे में योजनाबद्ध लेकिन अधूरी फॉक्स मूवी का संदर्भ है ब्रिटेन का झंडा दुनिया भर में पिछले कई महीनों से जिस मूवी के चर्चे हो रहे थे वो आखिरकार रिलीज हो गई ये कोई और नहीं बल्कि मार्वल की नई मूवी डेड पुल एंड वलवरीन है जब से इस मूवी का ऐलान हुआ था तभी से मार्वल और ख़ासकर एक्समैन के फैंस को इसका इंतज़ार था वजह थे वलवरीन डेड पुल के डाक और मजाकिया अंदाज को तो कई दर्शक पसंद करते लेकिन नाइन्टीज़ के बच्चे जानते हैं कि वलवरीन कितना गज़ब का कैरेक्टर है अपने फेवरेट एक्समैन को देखने के लिए फैंस बेताब थे अब ये लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है अगर आप भी डेडपुल एंड बुल्वरीन देखने जा रहे हैं तो पहले यह सुनते जाइए स्क्रीन पर कोई भी तस्वीर आने से पहले अलग आपको किसी की मजेदार आवाज में पंचलाइन सुनाई दे जाता है तो समझ जाइए कि डेडपुल आ गया है अपने मजाकिया अंदाज कभी न मरने वाले शरीर और बड़ बोले मुंह के साथ डेट पुल सिनेमाघरों में वापस आ गया है और एक्टर रायन रेनॉल्स इसे हर बार इतनी बढ़िया अंदाज में कैसे निभाते हैं इस पर स्टडी होनी चाहिए मूवी की शुरुआत होती है डेडपुल के ववरीन को ढूंढने से या फिर बोला जाए दुनिया को अलविदा कह चुके वुलवरीन की लाश को ढूंढने से ऐसा वो क्यों कर रहा है इसका जवाब आपको वेड वुल्सन उर्फ डेडपुल ही दे सकता है डेडपुल टू में अपनी गर्लफ्रेंड को लगभग खो देने के बाद वेर विल्सन की जिंदगी एकदम बदल गई है वो लंबे वक्त से अपने सुपर हीरो अवतार में नहीं आया ना ही अपनी जिंदगी और नौकरी से खास खुश है लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जिसके लिए उसे वोलवरीन की जरूरत है और फिर शुरू होता है वो खेल जिसकी उम्मीद ना आपने की ना मैंने की ना किसी और ने की थी डेथ और वलवरीन मिलकर इस मूवी में जो धमाल मचाने वाले हैं वो हर किसी की सोच से एकदम बाहर है और इसी बात में मूवी का सारा मजा है इसके आगे कुछ भी बोला तो ज़बरदस्त पॉइलर की बारिश हो जाएगी मार्वल अपनी फिल्मों में फैंस को सरप्राइज़ देने के लिए जाना जाता है और डेथपुल एंड वलवरीन में आपको इतने धमाकेदार सरप्राइज़ मिलने वाले हैं कि एक्साइटमेंट में आपकी शीखें ही निकल जाएंगी पिक्चर की शुरुआत इतनी मज़ेदार तरीके से होती है मज़ा ही आ जाता है ओपनिंग क्रेडिट्स को रोल करने का अंदाज़ इस मूवी में अभी तक का मार्वल बेस्ट रहा है डेडपुल के एक्शन के अलावा उसके डांस मूव भी किलर हैं रायन रेनॉल्ड्स की अपनी वेड विल्सन और डेडपुल के किरदार पर इतनी बढ़िया पकड़ है कि उनके आगे किसी को भी देखना या किसी पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है डेडपुल की मस्ती उसकी उल्टी सीधी बातें उसका बड़बोलापन उसकी अटपटी हरकतें और उसका खूब खराबा सब कुछ तबाही मचाना रैलॉन्स के अलावा कोई और नहीं कर सकता इस मूवी में आपको रायन रेनॉल्ड्स खूब हंसाते हैं और इम्प्रेस भी करते हैं अपने बचपन के दिनों को जीने के लिए भी तैयार हो जाइए क्योंकि माय बॉय वलवरीन इज़ इन इट टू थाउजेंड नहीं, चौबीस साल पहले मूवी एक्स मैन सिनेमाघरों में, सिनेमा में रिलीज़ हुई थी जिसमें एक्टर जैकमैन को वुलवरीन के रोल में पहली बार देखा गया था चैकमैन ने अपने काम को इतने जबरदस्त तरीके से किया था कि सालों तक हर मूवी में वुलवरीन के कैरेक्टर में उन्हें देखा गया और ऑडियंस को उनसे तो प्यार ही हो गया वुलवरीन कॉमिक्स के साथ साथ फिल्मी फैंस का भी फेवरेट एक्समैन बन गया उसी शाम उन्हीं इमोशंस के साथ नए लेयर्स में लाकर ह्यू चैकमैन वुलवरीन के किरदारों में वापस आए और ये बात तभी सच थी और आज भी है कि उनके अलावा वुलवरीन कोई नहीं बन सकता इस मूवी में उन्होंने अपने रोल को परफेक्टली निभाया है उन्हें देखकर अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं डायरेक्टर शॉन लेवी ने इस मूवी को अपना सब कुछ दे दिया है कैमरों से लेकर मल्टीवर्स खतरनाक और सन की वुलन और क्यूट डॉग पुल तक कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसे उन्होंने ना खेला हो डेडपुल का पुराना खून खराबे वाला अंदाज इस मूवी में अभी भी है जिसे वलवरीन दो गुना कर रहे हैं डेथ एंड वलवरीन के बीच की लड़ाई देखना एक्साइटमेंट से भरा हुआ है साथ ही साथ दर्दनाक भी है इसके अलावा दोनों की मिलकर दुश्मनों से लड़ाई और बाकी एक्शन सीक्वेंस भी धुआंधार हैं सीन्स की एक्शन कोरियोग्राफी सही में काबिल तारीफ़ है कॉमिक बुक के बहुत से सीन्स का रेफरेंस भी दिया है इसके साथ ही मूवी का म्यूज़िक कमाल है हर सीक्वेंस से जुड़ा गाना उसके साथ एकदम फिट बैठता है और आपकी मूवी देखने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाता है डेथ एंड वुल्वरीन एक बढ़िया रोलर कोस्टर राइड जैसी है ये हाई पॉइंट पर शुरू होती है फिर कई मोड़ों से गुजरती है इमोशंस में डुबकी लगाती है अलग अलग किरदारों के, के साथ आपके उत्साह को बढ़ाती है और फिर एक हाई पॉइंट पर लाकर आपको छोड़ देती है हर पिक्चर की तरफ इसमें भी कमियां हैं लेकिन अगर आप इन्हें इग्नोर कर मोमेंट को एंजॉय करेंगे या फिर आप कट्टर मार्वल या एक्स फैन हैं तो आप इसे बहुत आराम से देख पाएंगे और ये आपको पसंद भी आएगी अगर आपको फिल्मों में खून खराबा देखने में तकलीफ़ होती है तो सोच समझ कर जाइएगा इसका प्लान तभी करिएगा अगर आप इसके लवर हों किल तो देख ही होगी ये किल से भी दस गुना आगे है सोच लो किल जहाँ इतनी खून खराबा थी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो गए तो ये तो हॉलीवुड की डेट पुल एंड वुलविन है वो भी इसका सीक्वल है पार्ट थ्री है ना तो सोचो इसकी मार धार कैसी होगी अगर जा रहे हैं तो प्लीज दिल थाम के जाइए और मस्ती से ये मूवी देखिए विले से पहले डिज्नी जो मार्बल स्टूडियो और उनके एमसीयू का मालिक है उसके पास एवेंजर्स के अधिकार थे इस बीच फॉक्स के पास एक्स मैन और फैंटास्टिक फोर के अधिकार थे 2019 के विलय के अनुसार डिस्टी के पास सभी किरदार हैं और उसने एक्समैन और फैंटास्टिक फैंटास्टिकरदारों के किरदारों को एमसीयू में शामिल करना शुरू कर दिया है एंड पुल एंड सेंचुरी फॉक्स मार्वल फिल्मों के लिए एक प्रेम पत्र है जो विलय के बाद काफी हद हत तक खत्म हो चुकी है या फिर से शुरू होने वाली है मूवी की शुरुआत में डेड एंड वुलवलीन को द वॉइड नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया जाता है जो अंतरिक्ष और समय के अंत में कॉमिक्स पात्रों के लिए एक तरह का डंपिंग ग्राउंड है वहां वे कई ऐसे पात्रों से मिलते हैं जिनकी अपनी में छोड़ दी गई थी या कभी नहीं बनी डेडपूल एंड वुल्वेरीन उन पात्रों को कुछ हद तक बंद कर देता है ये ग्रीन डे द्वारा गुड रिडान्स के साथ विभिन्न एक्समेन और फैंटास्टिक फोर फिल्मों के पीछे सीन्स के एक मोंटाज के साथ समाप्त होता है जो एक क्लासिक ग्रेजुएशन गीत है यहाँ वे भी कैमियो हैं जो आपने डेडपूल एंड वुल्वेरीन में नहीं देखे होंगे मूवी की शुरुआत में डेटवुल ब्रह्मांड को बचाने में मदद करने वाले वुलवरीन को खोजने के लिए ब्रह्मांड में घूमता है वो अलग अलग समस्याओं में कई अलग अलग लोगन रूपों का सामना करता है जिसमें एक ऐसा भी है जो हल्क से लड़ रहा है बड़े हर आदमी की संक्षिप्त झलक से हम हम अनुमान लगाते हैं कि ये मार्बल की 2008 की हल्क मूवी से एडवर्ड नॉटन है इससे पहले की इस भूमिका को मार्क रफालो के साथ फिर से बनाया गया था प्रशंसक सेवा के तौर पर डेडपुल हेनरी केवल द्वारा निभाए गए वुल्वरीन के एक संस्करण से भी मिलता है केवल ने वार्नर ब्रदर्स डीसी कॉमिक्स की फिल्मों में सुपरमैन की भूमिका निभाई थी हालांकि फैंस ने इस तथ्य पर दुख जताया था कि जस्टिस लीग पर फिर से शूटिंग के परिणाम स्वरूप पोस्ट प्रोडक्शन टीम को केवल की मूठों को डिजिटल रूप से हटाना पड़ा जिसके परिणाम खराब रहे डेडपुल ने मजाक में कहा कि डिज्नी केवल के साथ दूसरे स्टूडियो की तुलना में बेहतर व्यवहार करेगा अगर आप 2010 के दशक के बारे में सोच रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं कि क्रिस एवेंजर्स फिल्मों के कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाकर सुपरस्टार बन गए थे कई प्रशंसक हाल ही में एम की गिरावट के लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इवांस ने एवेंजर्स के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी इसलिए की तरह ऑडियंस भी इवांस को MCU में वापस आते देख निश्चित रूप से उत्साहित थे सबसे पहले डेडपुल और वीन केवल उसकी आवाज़ सुनते हैं फिर वे उसकी तराशी हुई जबड़े की रेखा देखते हैं लेकिन एक मज़ेदार मोड़ में जब एवान प्रतिष्ठित व्याकांश एवेंजर्स इकट्ठा हो जाओ बोलने के लिए तैयार लगता है तो वो इसके बजाय चिल्लाता है फ्लेम ऑन वो आकाश में ऊपर बैठे ही आग पकड़ लेता है दुर्भाग्य से बुरे लोग तुरंत उसकी लौ बुझा देते हैं और वो धरती पर गिर जाता है यह उपस्थिति एम मूवी इतिहास में पहले की झलक है कैप्टन अमेरिका बनने से पहले एवं ने फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में जॉनी स्टॉम उर्फ ह्यूमन टॉर्च का किरदार निभाया था जहां उनकी शक्तियां खुद को आग लगाने की थी जब वो सुलगता हुआ लेटा हुआ था तो गुलवरीन पीछे हटते हुए बोला हम उस आदमी को नहीं जानते मूवी की खलनायिका कैसेड्रा नोवा ने पिछली एक्समैन फिल्मों के गुर्गों की एक पूरी टोली को भर्ती किया इनमें एक्स में टॉड एक्स टू एक्स यूनाइटेड से लेडी डेथ स्ट्राइक एक्स मैन दी लास्ट एंड से पायरूम और डेट से कोलोसस शामिल है हमने सोचा था कि हमने ऐसा किया है डेडपुल थोड़ा उदास होकर कहता है क्या ये वास्तव में कैमियो के रूप में गिना जाता है नोवा ने द वर्ल्ड में अपने मुख्यालय के रूप में एंट मैन के एक विशाल संस्करण की लाश का उपयोग किया वास्तव में किस एंट मैन को दर्ल्ड में भेजा गया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई ये हम नहीं जानते लेकिन जब एंट मैन की खोपड़ी सामने आती है तो डेडपुल कहता है आखिरकार बूढ़ा हो गया जैकमैन की बुल्वरीन फिल्मों में हमें सेबरटुथ के दो रूप देखने को मिले हैं टाइलर माने ने पहली एक्समैन फिल्म में पंजे वाले खलनायक की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के शीर्ष पर बुलबरीन से लड़ाई की थी आखिरकार सेबरटूथ उस लड़ाई में हार गया जब साइकोल्प ने उसे अपनी लेजर दृष्टि से लैंडमार्क से उड़ा दिया बाद में लिव इबर ने प्रीक्वल फिल्म एक्समैन ऑरिजिन वुल्वरीन में भूमिका निभाई उस मूवी में दिखाया गया था कि साइबर सैबर टुथ और वुलवरीन सौतेले भाई हैं हालांकि कॉमिक्स के पाठक उस विशेष मूवी आविष्कार से असहमत हो सकते हैं लेकिन ऑरियजेंस को इतनी बुरी समीक्षाएं मिली कि अधिकांश प्रशंसक ये दिखावा करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं वास्तव में डेट पुल खुद डेट टू में समय में पीछे चला जाता है ताकि उस मूवी में अपने आप किरदार के संस्करण को मार सकें वैसे भी जब डेट और वुलवरीन में मारने का सैबर टुत्थ सामने आता है और डेटपुल खुशी से वुलवरीन से कहता है कि लोगों ने इस लड़ाई के लिए ऑडियंस का तक का इंतजार किया है तो वो पॉसिबिलिटी मूल एक्समैन फिल्म के रीमैच का उल्लेख कर रहा होता है शून्य में फंसे रहने के दौरान डेडपुल और बुलवरीन अन्य सुपर हीरो की तलाश करते हैं जिन्हें नो मैंस स्लैंड में निर्वासित कर दिया जाता है सबसे पहले उनका सामना इलेक्ट्रा से होता है जिसे जेनिफर गौना ने डेबल और उनकी सोलो स्पिन ऑफ फिल्म इलेक्ट्रा दोनों में निभाया है जब वो और उसके दोस्त कैसेंड्रा द्वारा मारे गए विभिन्न सुपर हीरो की सूची बनाते हैं तो वे उल्लेख करते हैं कि डेयर डेवल की मृत्यु हो गई लंबे समय से मार्वल के प्रशंसकों को याद होगा कि गार्डर के अपूर पति बने ने उस किरदार को निभाया था मुझे बहुत खेद है डरपुल ने डेवल की मौत के बारे में इलेक्ट्रा से कहा ये ठीक है इलेक्ट्रॉनिक अभिनेताओं के ऑफ स्क्रीन अलगाव के बारे में ऑडियंस को इशारा करते हुए कहा आयरन मैन या स्पाइडरमैन या यहाँ तक कि एक्स मैन के बड़े पर्दे पर आने से पहले ब्लेड था वेस्ली स्नैप्स द्वारा निभाए गए पिशाच शिकारी ने यकीन 1998 की अपनी मूवी के साथ आधुनिक कॉमिक बुक फिल्मों के युग की शुरुआत की लंबे अंतराल के बाद स्नैप्स वापस आ गए हैं मूवी में एक जगह पर ही मजाक करते हुए कहते केवल एक ही ब्लेड रहा केवल एक ही ब्लेड होगा ऐसा लगता है कि ये लाइन ब्लेड फ्रेंचाइज की शापित रीबूट का संदर्भ है ऑस्कर विजेता महर्षला अली अभिनय मूवी के नए संस्करण की घोषणा टू में ही कर दी गई थी लेकिन अभी तक एक भी सीन शूट नहीं किया गया है मूवी ने दो दो अलग अलग, अलग निर्देशकों को खो दिया है और कथित तौर पर कई बार फिर से लिखा गया है जब ब्लैक पैंथर के निर्देशक रायन कुगलर ने हाल ही में माइकल बी जॉर्डन अभिनेत अपनी खुद की वेम्पायर फिल्म का निर्माण स्टार्ट किया तो प्रशंसकों ने मजबाक में कहा कि कुगलर देरी से इतना तंग आ गए हैं थे कि उन्होंने अपनी खुद की ब्लेड बनाने का फैसला किया ब्लेड के प्रशंसकों डरो मत स्नैप्स की लाइन एक व्यंगात्मक टिप्पणी लगती है न कि मौत की घंटी मार्वल स्टूडियोज़ के प्रमुख केविन फीगे ने हाल ही में कहा कि अली की फिल्म अभी भी काम में है और उन्होंने कहा कि इसे आर रेटिंग दी जाएगी शानिंग टैदम ने एक दशक तक गॉम गैमिट फिल्म बनाने की कोशिश की अभिनेता को एक्समैन फ्रेंचाइज के कैजुन चोर से प्यार हो गया और उन्होंने एक पटकथा लिखी जिसमें उन्होंने आर रेटेड रोमांटिक कॉमेडी बताया लेकिन गैमटिव विकास के नरक में फंस गया गौरम और डग लेमन एंड्रेस निर्देशक आए और प्रोजेक्ट छोड़ दिया अंत में डिज्नी फॉक्स विलर ने टाटम के गैम्बिट सपनों को मार डाला अब तक टाटम के गैम्बिट के संस्करण में एक तथ्य पर शोक व्यक्त किया गया है कि उन्हें कभी अपनी खुद की फिल्म नहीं मिली उनके रोमांच शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गए डेडपुल और वुलवीरीन में जो संस्करण सामने आता है वे निश्चित रूप से हास्यस्पद है वो समझ से परे है डेडपुल टाटम को उसके खराब उच्चारण के लिए फटकार लगाता है और ऑडियंस द्वारा महत्वपूर्ण विवरण न दिए जाने पर झल्लाहट करता है और ताश के पत्तों को विस्फोट करने की उसकी क्षमता मुख्य लगती है, जब तक कि वो से बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जो भी रणनीति अपनाए ऐसा लगता है कि वो लोगन के बुरे पक्ष में ही रहेगा वुल्वरीन और म्यूटेंट युग में एक बार फिर आए है और उनका रिश्ता पहले की तरह ही मुश्किल बना हुआ है जहां भाड़े का सैनिक के म्यूटेंट्स वर्ग में अपनी जगह बनाने का प्रयास करता है वहीं आजीवन अकेला उलवरीन वहां अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल करता रहता है शैसा पी खाड़ी पर उनकी अन आयोजित मुलाकात ने एक असहज गठबंधन का जन्म दिया जो पॉसिबली वेट के लिए लोगन के अंदर छिपी हुई घृणा को जगाएगा लेकिन ये लालच कहाँ से आता है डेडपुल शुरू से ही काल्पनिक और प्रकाशन दोनों रूप से वुल्वरीन से जुड़ा है हालांकि दोनों पात्रों ने 1994 में लैरी हामा एडम कुर्बट और फेबियो लुगाना की वल्वरीन हैश तक पैनल साझा नहीं किए थे डेडपुल के निर्माता रॉब लीफेल्ट के प्रशंसक थे और उनकी उत्पत्ति को जोड़ने के लिए उत्सुक थे इसलिए अल्टीमेटली ये पता चला कि वेपन एक्स के प्रमुख वैज्ञानिक एम्ब्रिस Deadpool को कृतम उपचार कारक देने के लिए के लिए डीएनए के एक हिस्से का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार थे यह प्रक्रिया आसान नहीं थी वह पहले ही एक दर्जन पुरुषों को तोड़ने के लिए पर्याप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजर चुका था कोई सोच सकता है कि इसे उससे वुलव्वरीन से कुछ सहानुभूति मिल सकती है एक बात के लिए लोगान को व सीधे तौर पर परेशान करने वाला लगता है वोवरीन लगातार मार्वल के सबसे रूखे किरदारों में शुमार है जबकि दूसरी ओर डेडपुल इतना अति सक्रिय है कि स्पाइडरमैन को भी सिर दर्द हो सकता है दीवार पर रेंगे वाले की तरह वल्सन का लगातार चुटकले सुनाने का शौक अक्सर लड़ाई में उसके विरोधियों को मानसिक रूप से अभिभूत कर देता है लेकिन वुल्वरीन इसे एक संकेत के रूप में लेता है कि भाड़े का सैनिक अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है और इसलिए सहयोगी के रूप में वो काफी हद तक अनबिलीवेबल है इसके अलावा लोगन वेट के पागलपन को एक नाटक के रूप में देखता है एक और अराजक आदमी के लिए अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए ढाल लोगान जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अपना आत्म वापस पाने और उसे बनाए रखने के लिए ऑडियंस संघर्ष किया है अलग हो लेकिन ये कहना अनुचित होगा नैतिकता नहीं रिक रिमेंडो और जेरोम ओपेना की 2010 की सीरीज में एक्सफोर्स के साथ अपने कार्यकाल के दौरान ये को मारने के मिशन पर फेमिन से मुठभेड़ के बाद वॉरेन उर्फ के गर्ल को खिलाने के लिए अपने मांस के टुकड़े बनाता है जब उन्हें पता चलता है कि एपोकैलिप्स का पुनर्जन्म एक प्राथमिक आयु वाले बच्चे के रूप में हुआ है तो वह उन सदस्यों में से एक है जो इस बात को लेकर में पड़ जाता है कि क्या कार्य को अंजाम दिया जाए लेकिन फैंटोमैक्स फिर से लड़के को गोली मार देता है और डेटपुल टीम के सामने अपनी निराशा व्यक्त करता है जिस बिंदु पर वुलवरीन उसे केवल पैसे से प्रेरित एक टिक कहता है वर्सन गंभीरता से जवाब देता है हाँ लेकिन मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा इसके बाद वॉरेन ने खुलासा किया कि वह उनके साथ मुफ्त में काम कर रहा है जिससे लोगन गलत साबित हो रहा है ये उम्मीद करना पूरी तरह से बहुत ही आशावादी हो सकता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से पूरी तरह से सहमत होंगे और यही बात इनके रिश्ते को इतना आकर्षक बनाती है रीजन रेटिंग ने वन को नाराज करने के लिए लगभग हर संभव तरीका खोज लिया है जिसमें कई हत्या के प्रयास और एक बार किटी प्राइड को एक हर्षित शौर्य देना शामिल है क्रोधित कैनडा इतनी आसानी से बीती बातों को भूलने वाला नहीं है फिर भी सभी म्यूटेंट की सुरक्षा की खोज में खुद को सहयोगी पाते हैं और जब तक डेटपुल गर्मी को सहन कर सकता है तब तक ये लक्ष्य वुल्वरीन की भोंकने को सहने के लायक ही हो सकता है रेन रेनॉल्स द्वारा बेहतरीन तरीके से निभाया गया मार्वल की फिल्मों में एक दुलरभ पात्र है यह अमर्ता और हास से अभिशप्त एक अशब्द बोलने वाला नायक है जिसे विशेष रूप से किशोर लड़के के लिए चुना गया है उसे ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से पहले ही दो फिल्में मिल चुकी हैं डिज्नी के कंपनी के साथ विलय के बाद इसने एक्समैन फोर और निश्चित रूप से डेडपुल जैसे सुपर हीरो के अधिकारों को अवशोषित कर लिया है विलय का मतलब है कि मोटो माउथ एंटी हीरो आधिकारिक तौर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी शुरुआत कर सकता है मूवी के ट्रेलर के आधार पर डेड पुल इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है डेडपुल एंड वुलवीन पर काफी समय से काम चल रहा था और इस मूवी पर बहुत कुछ निर्भर भी है मार्वल एक नए युग में प्रवेश कर रहा है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे सिनेमा देखने वालों को वापस सिनेमाघरों में लाया जाए और लगातार अपनी सावधानी पूर्वक नियोजित समय रेखा में फेर बदल कर रहा है कॉमिक्स और उनकी पिछली फिल्मों में डेट पुल एंड बैक स्टोरी है उससे पता चलता है कि इसमें काफी सामग्री है डेट दो पिछली फिल्मों में दिखाई दे चुका है और वुल्वरीन कई एक्समैन फिल्मों को अभिन्न अंग रहा है डेट एंड वुल्वरीन देखने से पहले आपको डेट पुल और एम सी यू में उनकी जगह के बारे में जानने की जरूरत है मार्वल एक तरह से मंदी में है और वर्तमान में इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पिछले साल रिलीज हुई इसकी आखिरी तीन फिल्में एंड मैन एंड वास्प गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री और दी मार्वल्स थी और इन सभी को देखने के लिए और इनको पूरा संदर्भ समझने के लिए अन्य मार्वल प्रोजेक्ट देखने की जरूरत थी डेटपुल एंड वुलवरीन के लिए भी यही बात लागू होती है मूवी में डेडपुल को टाइम वेरियंस अथॉरिटी द्वारा बुलाया जाता है जब पैराडॉक्स मैथ्यू मैकफेडन द्वारा अभरित नामक एक व्यक्ति उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि उसका एक उद्देश्य है इससे पहले कि वो उसे एक मिशन पर भेजे ये तब होता है जब डेटपुल खुद को दिया गया उपनाम मार्वल जी जैस अपनाता है टाइम वेरियंस अथॉरिटी पवित्र टाइमलाइन के रखवाले हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनाई देता है और वे वैकल्पिक टाइमलाइन को वेरियंट बनने और कांच छाट करने से रोकते हैं जब किसी वेरियंट की छटाई की जाती है तो हम लोग ही समझते हैं और सीखते हैं वे मरते नहीं है उन्हें शून्य में भेज दिया जाता है लोकी में ये वह जगह है जहाँ शीर्षक चरित्र अपने वेरियंट से मिलता है किड लोकी क्लासिक लोकी बोस्टफुल लोकी एलिगेटर लोकी आदि ये डेडपुल और वुल्वरीन में चलन में आएगा हालांकि वेरिएंट ही एकमात्र चीज़ नहीं है जो शून्य में मौजूद है शून्य के संरक्षकों में से एक अली ओथ है जो एक विशाल डरावना बादल राक्षस है जिसने इस इसे उजाड़ कर भूमि पर निर्वासित कई वेरिएंट को खा लिया है डेडपुल फिल्म इस बात की मूल कहानी प्रदान करती है कि कैसे दुनिया को इस तेज तरार अशिष्ट व्यक्ति का आशीर्वाद मिला लेकिन इससे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि डेडपुल रेनॉल्स का मार्बल के साथ पहला संपर्क नहीं था ये उनका यह किरदार निभाना उनका पहला मौका नहीं था 2009 की फिल्म एक्समैन मैन ऑरिजिन बुलवरीन में रेनॉल्ड्स ने जैतपुल का किरदार निभाया था हालांकि उस उसमू टेप से बंद था और प्रशंसकों को ये पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने स्टैंड अलोन फिल्मों के साथ नायक को न्याय दिलाने का संकल्प लिया जैतपुल की भूमिका निभाने के बाद वह उस आदमी को खोजने निकल पड़ता है जिसने उसे यातना दी थी ताकि वो बदला ले सके वो लगभग ऐसा ही करता है लेकिन कोलोसस और नेगा सोनिक टीन एज वॉर हेड उसे रोक देते हैं जो उसे एक्समैन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन डेडपुल मना कर देता है मूवी के अंत में वो अजाकस को मार देता है और वेनेसा के साथ सुलह कर लेता है दूसरी मूवी में डेडपुल को माफिया सरगनाओं और ऐसे ही लोगों को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए देखा गया है फिर उनमें से एक समूह को पता चलता है कि वो कहाँ रहता है और वेनेसा को मार देता है इससे डेडपुल आत्महत्या करके मरने की कोशिश करता है लेकिन उसके अवशेष कोलोसस को मिल जाते हैं जो उसे फिर से एक्समैन का सदस्य बनाने की कोशिश करता है इस बार डेडपुल सहमत हो जाता है म्यूटेंट अनाथालय में कॉल का जवाब देते समय डेडपुल का सामना रेसेल कॉलिनस नामक म्यूटेंट से होता है जिस फायोफिस्ट भी कहा जाता है वेट को पता चलता है कि कर्मचारी फायरफिस्ट को गाली दे रहा है और उन्हें मार देता है जिसके कारण उसे और फायरफिस्ट को हिरासत में लिया जाता है और आइस बॉक्स में भेज दिया जाता है वे कॉलर पहनते हैं जो उनकी शक्तियों को दबाते हैं जिसका अर्थ है कि वे केवल नश्वर हैं और उन्हें मारा जा सकता है डेडपूल एंड वुल्वरिन मार्वल स्टूडियोज मैक्सिमम एफर्ट और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रोड्यूस्ड और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एम की थर्टी फोर्थ पंग और डेडपुल और डेडपुल टू की सीक्वल है फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है जिसकी पटका था उन्होंने रियान रेनोल्स रेट्रीज पॉल वर्नेक और जेब विल्स के साथ लिखी है रेनॉल्ड और जैकमैन रिस्पेक्टिवली डेडपुल और बुलवरीन की भूमिका निभाते हैं उनके साथ इम को भी हैं। थाउजेंड 2016 में 20th सेंचुरी फोकस में डेटपुल की तीसरी फिल्म का काम स्टार्ट हुआ लेकिन मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो को एक्वाइट किए जाने के बाद इसे रोक दिया गया कैरेक्टर का कंट्रोल मार्वल स्टूडियो को सौंप दिया गया जिसने रेनोल्ड के साथ एक नई फिल्म विकसित करना स्टार्ट कर दिया ये डेटपुल को ए के साथ इंटीग्रेट करता है और पिछले फिल्मों की आ रेटिंग को बरकरार भी रखता है जिससे ये ऐसी रेटिंग वाली पहली एम सी ओ फिल्म बन जाती है नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी में वी मोलेंकस और लीजी के रूप में शामिल हुए रीज और वॉनिक पिछली फिल्मों से मार्च 2022 तक पूर्ण लेखन के लिए वापस आ गए जब लेवी का निर्देशन के रूप में काम पर रखा गया रेनोल्स और वेल्स के साथ उन्हें फिल्म की कहानी को समझने में तब तक कठिनाई हुई जब तक कि Jackman ने अगस्त 2022 में फोकस की डेट एंड एंड मार्वल स्टूडियोज मैक्स नंबर और 21 लैब्स एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रोड्यूसड और स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई है ये मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स यानी एम की थर्टी फोर्थ फिल्म और डेट पुल और डेट पुल टू की सीक्वल है फिल्म का निर्देशन ट्रॉन नेवी ने किया है जिसकी पटकथा उन्होंने यानी रेन रेनोल्ड रेट रीज पॉल विक और जेब बेल्स के साथ लिखी गई है रेनोल्ड और रिस्पेक्टिवली और जैकमेक्टिव की भूमिका निभाते आए हैं उनके साथ एमा कोरिन और मैथ्यू भी शामिल हैं। नवंबर 2016 में ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स में डेटपुल की तीसरी फिल्म पर काम स्टार्ट हुआ लेकिन मार्च 2019 में डिज्नी द्वारा स्टूडियो का एक्वायर किए जाने के बाद इसे रोक दिया गया कैरेक्टर का कंट्रोल मार्वल स्टूडियो को सौंप दिया गया जिसने रेनॉन्स के साथ एक नई फिल्म विकसित करना स्टार्ट किया ये इंटीग्रेट करता है और पिछली फिल्मों की आर को बरकरार भी रखता है जिससे ये ऐसी वाली पहली एम पहली एमसीयू फिल्म बन जाती है नवंबर 2020 में वेंडी और लीजी लेखक के रूप में शामिल हुई रेस और वॉनिक पिछली फिल्मों से मार्च 2022 तक पूर्ण लेखन के लिए वापस आ गए जब लेवी को निर्देशक के रूप में काम पर रखा गया रेनॉल्ड्स और वेल्स के साथ उन्हें फिल्म की कहानी को समझने में तब तक कठिनाई हुई जब तक कि में ने 2022 में फॉक्स के एक्समैन से वीन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने का फैसला नहीं किया मई 2023 में इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू हुआ नॉर्फॉक और बोविंगटन फिल्म स्टूडियो में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ 2023 सैग एफ्टर हड़ताल के कारण जुलाई में रेज्यूम्ड कर दिया गया था लेकिन नवंबर में फिर से स्टार्ट हुआ और जनवरी 2024 में खत्म हुआ एक महीने बाद फिल्म का टाइटल सामने आया एंड एनवीन का विश्व प्रीमियर बाईस जुलाई दो को न्यूयॉर्क शहर में हुआ और इसे एम के फेस फाइव के हिस्से के रूप में ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना है सुपर हीरो का गढ़ है मार्वल 90s में आकर इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी पैसे की तंगी इंसान से कुछ भी करवा सकती है यहाँ तो मार्वल का दिवाला निकलने वाला था ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया वो अपने कुछ प्रमुख किरदार ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स नाम की स्टूडियो को बेचेंगे इसमें फंटास्टिक फोर और एक्समैन यूनिवर्स वाले किरदार शामिल थे यानी डेटपुल जैसे किरदार का पता बदलने वाला था फॉक्स ने इन किरदारों पर फिल्में बनाने के राइट्स ले लिए मार्बल के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो इन कैरेक्टर्स पर मूवी बना सके ऊपर से खुद को बचाने का संघर्ष था डेकपुल जैसे किरदारों ने तब मार्वल को बचा लिया इन किरदारों का फॉक्स के पास जाना ऐसा था जैसे मार्वल की मुक्का मारा हो अभी उनका जबड़ा टूटने ही वाला था जब कुछ साल बाद उन्हें अपनी चहे कैरेक्टर तो स्पाइडरमैन की राइट सोने को बेचने पड़े खैर वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते है कहानी दूसरे दशक में पहुँची मार्बल फिर भी तंग हाली में थे अब डिजनी हार बनकर प्रकट आया साल 2009 में डिज्नी ने 4 बिलियन डॉलर में मार्बल के नाम के ऊपर अपना लेबल चिपका दिया रॉबर्ट डाउनी वाली पहली आयरन मैन के अलावा आगे आई तमाम फिल्में डिज्नी के अंडर बनी सी एन की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी ने साल 2019 तक बॉक्स ऑफिस पर मार्वल्स इन मेटिक यूनिवर्स के जरिए अठारह बिलियन डॉलर बना लिए इन दस सालों में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स वाली फिल्मों ने तस्वीर चांदी गिर दी थी इन किरदारों की कॉमिक्स की दुनिया के बाहर कल्ड किस्म की फैन फॉलोइंग बन गयी साल दो में आई एवेंचर्स एंटरटेन तक ऐसा सीन बन गया था कि लोग फिल्म देखते हुए झंड में हंसे रोए ताली पीटे और मन में ही खाली पल लेकर लौटे हमारे हीरोज ने हमें अलविदा कह दिया हमारे बचपन ने हमें अलविदा कह दिया डिजनी की फिल्मों ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे किरदारों को खूब पॉपुलर किया लेकिन वो सिर्फ इन पर ही रुकने वाले नहीं थे मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का नया फेज शुरू हो चुका बस किसी ने भी फैंस और डिजनी को उसके लिए तैयार नहीं किया था एंड गेम के बाद आई मार्वल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आरोप जम चम टिक नहीं पाई उनकी पिछले रिलीज ही मार्बल एमसीयू के इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई मार्बल और डिज्नी के हाथ बंधे हुए हर दूसरा औंधे गिर रहा है लॉयल फैंस आगे नहीं रहे ऐसे में मार्वल और डिज्नी को बचाने दो लोग फिर से घर लौट रहे आखिर ये दोनों नाइनटीज में भी ऐसा कर चुके हैं साल 2019 में डिज्नी ने ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया वो भी बिलियन डॉलर की भारी भरकम लागत में गणित जो लगा रहे हो स्टोरी पर फोकस करो ना खैर 12 फरवरी 2024 हजार चौबीस की सुपर डेट एंड एंड का टीजर आया था वैसे ये डेट सीरीज की तीसरी मूवी है पिछली दो फिल्मों ने बढ़िया पैसा फोड़ा एक के लिए तो रणबीर सिंह ने भी डेट को अपनी आवाज दी थी डेटपुल को पसंद किए जाने का एक प्रमुख कारण ये है कि वो टिपिकल हीरो टाइप हरकते नहीं करता नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता भारी महफिल में उसे सुपर हीरो, कहने का तो ही मत करना। उसे हीरो आप ऐसे लोगों की आत्मा दुखा रहे हैं जो अपने पापा टाटा का बदला लेने के लिए सुपर हीरो बने अगर किसी कमरे में तीन लोग हैं उनमें से एक डेटपुल है दूसरा इंसान देख नहीं सकता तीसरा ठीक से चल नहीं सकता तो गारंटी है कि डेट पुल सबसे पहले उन दोनों का मजाक उड़ाएगा और फिर खुद के कैंसर और लुक्स पर तंज कसेगा लाल और काले रंग का स्पेंडेक सूट पहनने से पहले डेट पुल वेट नाम का आदमी था वेट को कैंसर हो जाता है उस हालात में एज्रेक्स नाम का एक आदमी वादा करता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता हूँ वेट के इलाज के नाम पर उस पर एक्सपेरिमेंट चलाए जाते हैं उसे म्यूटेंट बना दिया जाता है यानी ऐसा शख्स जिसके पास शक्तियाँ हों वे का कैंसर तो ठीक हो जाता है लेकिन उसका शरीर हमेशा के लिए खराब हो जाता है पूरी बॉडी पर जलने के निशान पड़ जाते हैं इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये शक्ति मिलती है कि उसके घाव जल्दी भर जाएंगे यही वजह है कि वो आसानी से मर नहीं सकता आगे वेट डेट बनता है और एडक से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है ये मोटा मोटी डेट पुल वन की कहानी थी डेट ऐसा आदमी है जो कभी सीरियस नहीं रह सकता दूसरी ओर है जो गिन कर अपने मुंह से शब्द निकालता है भी उसी की तरह एक है जिसके पंजों से नाम के धातु से बने पेने लंबे नाखून निकलते हैं कॉमिक्स की दुनिया में इन दोनों में लव हेट वाला रिलेशनशिप है डेडपुल उसे सताएगा फिर वो अपने फौलादी पंजे डेट के सिर में घुसा देगा ये दोनों खूब लड़ते हैं अब दोनों एक पुल में आ रहे हैं से लेकर स्टूडियो तक इस कोलाबोरेशन से बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि क्योंकि सभी को भरोसा है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है एंड पुल्वरीन मूवी से ज्यादा एक इवेंट क्यों है अब ऐसे ही कुछ कारण बताते हैं कैंसर से लड़कर हीरो लौटा है साल 2017 में लोगन रिलीज हुई ये फैन फेवरेट कैरेक्टर वुलवरीन की आखिरी मूवी होने वाली थी इमोशनल फैंस ने बड़े पर्दे पर अपने हीरो को मरते हुए देखा ऊपर से जॉनी कैश के गाने हर्ट ने उस सेंटिमेंट को कई गुना एलिवेट भी कर दिया था खैर ये वुलवरीन के रोल में ट्रैकमैन की नाइन फिल्म थी 18 साल ये कैरेक्टर उनके साथ रहा वो किरदार जिसके लिए उन्होंने सात बार ऑडिशन दिया वो किरदार जिसकी ऊंचाई ट्रैकमैन से कम थी इसलिए कुछ सीट में उन्हें झुक या नंगे पाँव में शूट करना पड़ता वो किरदार जिसकी शूटिंग के वक्त उन्होंने गलती से दूसरे किरदार के हाथ में मेटल के नाखून घुसा दिए थे उस किरदार के मेकअप को चीर कर लाल खून की धारा बह रही थी लेकिन विचलित होने की जगह वो खुश थे चोट को गर्व की निशानी की तरह दिखा रहे थे कि देखो मुझे वुल्वरीन ने मारा है वो किरदार है जिसकी वजह से जाक ने शाकाहारी लोगों से बहुत बार माफी मांगी उसके लिए बॉडी बनाने के चक्कर में उन्होंने रेडर कर नॉन वेट खाया ड्रैपमैन को वुल्वेरीन से प्यार था कभी उसे बेतहाशा नफरत भी होती रही लेकिन अंत में साल 2017 में वुल्वेरीन के पंजे हमेशा के लिए उसके हाथों में धंस गए ड्रैपमैन ने अनाउंस किया कि अब वो कभी भी वुल्वेरीन नहीं बनने वाले फैंस वॉर लाइक हां थोड़ा दिल हुआ पर चलता है जैसा मुन्ना भाई के साथ हुआ वैसे ही मोहल्ले में फिर से ड्रैपमैन आए खबर आई कि डेट फ्री बन रही है मीकर्स उसके लिए जैपमैन को ले आए डेटपुल और बुल्वरीन की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था ये दोनों कैरेक्टर एक्समैन ऑरिजन बुल्वरीन में पहली बार साथ दिखी थी लेकिन उस मूवी पर चर्चा कम और मीन ज्यादा बनती थी एंड में के के पीले सूट में के किरदार ओरिजिनल सूट नजर आने वाले हैं। सेट से उनकी कुछ फोटोज भी लीक हुई थी जैकमेन का वापस लौटना फैंस के लिए बड़ी खबर है लेकिन यहाँ एक और एंगल है साल 2013 में पहली बार जैकमैन को पता चला था कि उन्हें स्किन कैंसर है वो बेसल सेल कार्सिनोमा नाम के स्किन कैंसर से डायगनाइज हुई थी इलाज चला लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके उन्हें छह बार स्किन कैंसर हुआ ने इसके प्रति जागरूकता फैलाना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करके बताए कि क्यों सभी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए धूप से क्या नुकसान हो सकता है अभी के लिए उनका कैंसर सही हो चुका है फैंस का हीरो कैंसर से लड़कर उनके फेवरेट किरदार में लौट रहा है ये भी एक की वो क्यों जैकमन को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं। साल दो हजार ग्यारह ऐसी दो हजार बारह के बीच मार्बल चलाई डेट वोल मार्बल यूनिवर्स चार कॉमिक्स में बटी सीरीज में डेट बोल ढोंड ढूंढ कर मार्वल के किरदारों को मारना स्टार्ट कर देता है उसकी तलवार और पिस्तौल से निकली गोलियां हीरो से में फर्क नहीं करती उसे लगने लगता है कि सभी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसका ज्ञात सिर्फ और सिर्फ उसी को है इसलिए वो अपनी और बाकी सभी की मुक्ति के लिए सबको मारना स्टार्ट कर देता है जब अनाउंस की गई थी तब कहा जा रहा था कि उसकी कहानी सी कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है हालांकि ट्रेलर आने के बाद पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो गई डेडपुल मार्वल यूनिवर्स को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे बचाएगा मार्वल के शो लॉकी ने टी नाम की एक संस्था का इंट्रोड्यूस किया था उनका पूरा नाम टाइम वेवेंस अथॉरिटी है एम में कई सारी टाइम हैं ये संस्था इस बात का ध्यान रखती है कि इन टाइम के साथ छेड़छाड़ ना हो टी वी ए वाले डेडपुल भाई साहब उठा लेते हैं आरोप है कि तुमने टाइम के साथ छेड़खानी की है अब उसे फिक्स करने का समय है बता दें कि डेडपुल टू में वेड अपने पार्टनर वेनिसा को बचाने के लिए भूत भविष्य के साथ बदलाव करता है अब डेट एंड एंड बुलवरिन उसे सब कुछ ठीक करना है ताकि फिर से बैलेंस बन सके इसी दौरान वो बुलवरीन से भी मिलेगा बाकी बताया जा रहा है कि इस पार्क में बहुत सारे पुराने और नए किरदारों का कैमियो होने वाला है इस मूवी से तय हो जाएगा कि मार्बल यूनिवर्स का भविष्य क्या होने वाला है डेट की पिछली दो फिल्मों फॉक्स के बैनर तले बनी थी ये वाली मार्वल के लेबल से बनी है मार्वल पी जी थर्टीन फिल्मे बनाने के लिए जाना जाता है यानी वो फिल्में जो सेक्स खून खराबे और असभ्य भाषा के नाम से हाय तोबा करती है पीजी थर्टीन फिल्म सभी देख सकते हैं बस कुछ चीजों से तेरह साल से कम उम्र वाले बच्चे ऐसे हज हो सकते हैं फिर आता है डेट पुल जिसकी सुबह अलार्म ट्यून की जगह गोली की आवाज से खुलती है गुड मॉर्निंग की जगह मुंह से गोलियां निकलती है डेट की पिछली दोनों फिल्में आर रेटेड थी यानी सिर्फ सत्रह साल से बड़े लोग फिल्म देख सकते हैं उससे कम उम्र वाले बड़ों की मौजूदगी में फिल्म देखी डेटपुल के मार्वल यूनिवर्स में फिर से आने पर मजाक हुआ कि क्या वो बच्चों वाले ड्रोक मारेगा इस बात को नकारते हुए डिस्ट्री और मार्वल वाले क्लियर कर चुके हैं कि डेडपुल थ्री रेटेड आर ही होने वाली है फिल्म को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है डेटपुल वन को फिफ्टी मिलियन डॉलर की लागत ऐसी बनाया गया था दूसरे पार्ट का बजट बढ़ाकर 110 मिलियन डॉलर कर दिया गया हॉलीवुड संडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे पार्ट में स्टोरियों ने 250 मिलियन डॉलर झोंक दिए हैं भारतीय रुपए में ये करीब दो करोड़ होगा इतना पैसा सिर्फ मूवी को बनाने में लगा है प्रमोशन का खर्चा अलग से होगा स्टूडियो को उम्मीद है कि डेट पुल थ्री वन बिलियन डॉलर से ऊपर का बिजनेस कर सकती है इसलिए उन्होंने के, के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है रायन की एक लिटल कंपनी है एविएशन गिन के नाम से जैकमैन एक कॉफी कंपनी के मालिक है उसका नाम लाफिंग मैन है रायन ने छह फरवरी दो हजार उन्नीस को अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला उसका टाइटल था ट्रोस यानी युद्ध विराम सती वीडियो में रायन और ड्रैकमैन नजर आते हैं रायन कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की कंपनी के लिए एड बनाए हैं लाफिंग मैन का एक सुंदर सा एड था जहां रायन रेनोल्ड ने वॉइस ओवर दिया फिर जैकमैन वाला एड स्टार्ट कर दिया क्या वो कहती है की एविएशन गेम बढ़िया है तभी उसे ट्राई करूँगा इतना कहकर लिकर की बोतल का ढक्कन निकालकर बोतल को टेबल पर उलट देते हैं एड के खत्म होने तक बॉटल से शराब जमीन पर बह रही होती है इस एक वीडियो से आपको आइडिया लग जाना चाहिए था कि दोनों ने अपने रिश्ते की कैसी इमेज बनाई हुई है रियल लाइफ में ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जैकमिन के दबाव डालने की वजह से ही डेडपुल की पहली फिल्म बन पाई थी लेकिन मीडिया में ये दोनों अपना रिश्ता ऐसा दिखाते हैं जैसे जाने दुश्मन हो टांग खिंचाई बंद नहीं होती डेट और वुलविन का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्क्रीन से बाहर भी अपने किरदार निभा हैं। अगर इस मूवी की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव है एक तरह से मूवी में दोनों को देखना मेटा रेफरेंसिंग की तरह होगा जहां आप मूवी ड्रेसी किसी मीडियम का इस्तेमाल करके खुद पर कॉमेंट्री करते हैं हॉलीवुड में कुछ ऐसे ही केमिस्ट्री मैट और टॉक शो हो जिमी जिन्हें में भी है जहाँ दोनों वास्तविक जीवन में अच्छे रिश्ते रखते हैं लेकिन मीडिया में एक दूसरे का जी नाम मुश्किल करके रंग देते हैं रायन और जैकमेन की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री सुर्खियों में रहती है ये दोनों लोग कुछ भी करे फांस को एंटरटेनमेंट मिलता ही रहता है इसी बात को डेट पुल में भी बनाया जाएगा ये दोनों क्या बचाने वाले इसका जवाब तो 26 जुलाई को ही मिलेगा जब डेट एंड एंड सिनेमा घरों में उतरेगी रिलीज से पहले दोनों स्टार्स मूवी के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे ही एक हालिया इंटरव्यू में ने शाहरुख खान के बारे में बात की उनसे पूछा गया कि अगर आपको बॉलीवुड मूवी करने का मौका मिलता है तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे जैकमैन का कहना था बीते कुछ सालों में, में मेरी कई बार शाहरुख खान से बातचीत हुई है आप नहीं जानते लेकिन शायद शायद एक दिन कुछ हो जाए ये पहला मौका नहीं है जब ड्राकम ने शाहरुख खान को लेकर बात की हो साल 2017 में वो अपनी फिल्म लोगन को प्रमोट कर रही थी तब उनसे पूछा गया था कि अगर आपके साथ कोई और एक्टर गुलवरीन का रोल प्ले करे तो उस पर आपकी क्या राय होगी ट्रैकमैन ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कोई दूसरे एक्टर को गुलवरीन का रोल मिलता है तो उन्होंने कहा कि मेरे बार शाहरुख खान को ये रोल करना चाहिए बाकी बता दें कि साल 2011 में ड्राक मैन इंडिया आए थे उन्हें एफ आई सी सी आई फ्रेम में एक्सलेंस इंटरनेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया था शाहरुख खान और उनके बीच बहुत सारी बातचीत भी हुई उस सेशन को करण जोहर ने मॉडरेट किया था बातचीत के दौरान ड्राक ने शाहरुख की मूवी मायने मिस खान की तारीफ भी की थी मजाक में करण से कहा कि अगर आप इस मूवी का सीक्वल बनाते हैं तो मुझे कास्ट कर लीजिएगा क्योंकि शाहरुख बिजी होंगे मूवी का टाइटल रखेंगे माय नेम इज रफमैन एंड आई एम नॉट अ टूरिस्ट आगे करण ने कहा कि शाहरुख खान की सुपर हीरो मूवी भी रिलीज होने वाली है यहाँ वो रावण की बात कर रहे थे रफमैन ने बताया कि उन्होंने इस मूवी का प्रोमो कम से कम 29 टाइम्स देखा था रफमैन पहले हॉलीवुड एक्टर नहीं है जिनके साथ शाहरुख की मूवी प्लान की गई हो साल 2011 में शाहरुख और लियो को लेकर एक गैंगस्टर ड्रामा बनने वाली थी नाम था एक्सट्रीम सिटी टैक्सी ड्राइवर के राइडर पॉल ट्रेडर इसे डायरेक्ट करने वाले थे मुश्ताक शेख और पॉल मिलकर इस मूवी को लिख रहे थे मुश्ताक ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बताया था कि क्रॉस कल्चर थ्रिलर मूवी होने वाली है कहानी में इंडियन और अमेरिकन प्रोटेकॉनिस्ट को पूरी तरह से बैलेंस किया गया है मुश्ताक शेख ने आगे जोड़ा कि ये एक कॉम्प्लेक्स मूवी होने वाली है शाहरुख और मार्टन मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले थे मूवी पर काम अचानक से बंद पड़ गया बाद में पॉल ने फिल्म बंद होने की वजह भी बताई उन्होंने कहा कि शाहरुख पूरा कंट्रोल चाहते थे वो न मिलने पर उन्होंने फिल्म से हाथ खींचना बेहतर समझा मार्वल स्टूडियोज की नई मूवी डेड पुल एंड का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के ऑडियंस बेहद एक्साइटेड है भारत में भी इस मूवी को लेकर अच्छा खासा माहौल बना हुआ है भारत में रिलीज से पहले ही इसके टिकट्स की धाड़ा धाड़ बिक्री हो रही है जिससे इसकी मोरी कमाई का अंदाजा भी लगाया जा सकता है डे एंड वुल्वरीन की भारत में प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी के रिलीज से पहले ही एक लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं इन टिकट्स की बिक्री से हुई कमाई पर नजर डालें तो मूवी ने अब तक पाँच करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है डेट एंड वुल्वरिन को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है की ये मूवी भारत के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन तीस करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है अभी मूवी के रिलीज होने में चार दिन बाकी है और ऑडियंस के उत्साह को देखते हुए लगता है कि जैसे जैसे रिलीज की तारीख पास आती जाएगी वैसे वैसे प्री बुकिंग में तेजी आती जाएगी हॉलीवुड फिल्मों के भारतीय बॉक्स पर प्रदर्शन की बात करें तो अभी तक केवल पांच फिल्म ही पहले दिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंकड़ा छुप पाई है इनमें एडवेंचर एंड गेम ने 65 सीआर रुपए की कमाई की थी और ये मूवी पहले स्थान पर काबिज है एएमसी एम थिएटर्स के सीई ने बताया कि और डेथीन की एडवांस टिकट बुकिंग में रिकॉर्ड दर्ज किया है एक दिन में ही इसकी करीब दो लाख टिकट बिक गए। हालांकि एएमसी ने सिर्फ एक दिन की ही बुकिंग का आंकड़ा शेयर किया है